अच्छो वेरी वेलकम, आपका सभी का स्वागत है। एंड आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, कोर्स इंट्रोडक्शन। और आज हम लोग चालू कर रहे हैं सुपर 35। जी हाँ, सुपर 35 जैसे कि नाम से क्लियर है, 35 डेज का एक बैच है। और इस बैच के अंदर में क्या क्या होने वाला है आप जरूर क्यूरियस होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर हम? सबसे पहले तो ये इंडेक्स देख लीजिए, आप लोगों को अगर बुक्स मिल गई होगी तो आप फटाफट इंडेक्स देख लीजिए। इंडेक्स के अंदर ही आप देख सकेंगे कि यहां पे अराउंड 48 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले। जी हाँ, इस सुपर 35 के अंदर में ये 48 टॉपिक्स हम लोग जरूर डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में यहां पे केस लॉज भी दिए हुए हैं, सो दैट आप क्या कर सके, केस लॉज भी जगह जगह पे इसी के साथ साथ पढ़ सके। गेटिंग इट और नॉट? अच्छा जी मालिक, इसी के साथ साथ जगह जगह पे हम लोग क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। जैसे अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ये हम क्वेश्चनेयर के कवर करेंगे। तो जब भी आप ये सुपर 35 देख रहे होंगे, इंश्योर कर लेना कि आपके पास क्या हो, क्वेश्चनेयर भी हो। और क्वेश्चनेयर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन जब भी आप सुपर 35 देख रहे होंगे, आपसे मुझे बस एक ही उम्मीद है, आज हम लोगों ने जितना पढ़ा होगा बस घर पे जाके इतना आपने रिवाइज कर लेना है। जो भी बच्चा ये सुपर 35 देख रहा है, जो भी बच्चा ये सुपर 35 देख रहा है, ये रिविजन सीरीज देख रहा है, एक और चीज आप लोग कर सकते हो, आप अपने रेगुलर नोट्स जो भी आपने यूज किए होंगे, राइट, मेरे रेगुलर नोट्स होंगे तो बिल्कुल वो यूज कर लीजिए, या आप कोई और यूज कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल वो यूज कर लीजिए। और आजू बाजू में रख के देख लीजिएगा कंटेंट एक बार का, या उसके कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको यहाँ पे एड ऑन करने होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो।
ये जो बैच है ये कंप्लीटली अमेंडेड है एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 प्लस टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एक्ट 2020 के हिसाब से। जगह जगह पे जहां जहां पे भी रिलेवेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आए हैं उसको भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है, और जो 1 नवंबर से अमेंडमेंट आए हैं वो भी इसके अंदर में कवर्ड है। तो टेंटेटिवली ये सारा का सारा अमेंडेड है पूरा का पूरा कंटेंट वाइज भी, और इसे मैंने जो नए आपके मॉड्यूल आए हैं मई 21 नवंबर 21 वाले उसका भी इनपुट इसके अंदर में लिया है और इंश्योर किया है कि कहीं से कुछ मिस ना हो, तो वो बहुत अच्छे से ईमानदारी से लगी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप सुपर 35 देख रहे होंगे, सर क्या मैं कंटेंट के अंदर में कहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा? आंसर इज नो। सेक्शन के कंटेंट में आप कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो सर टाइम कैसे सेव होता है? जैसे कि हमने देखा है रेगुलर बैच 73 डेज का होता है, वेराज आप इसको 35 डेज में कवर कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? एक क्विकली आपको बता देता हूं। जब हम रेगुलर बैच के अंदर में होते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बहुत ज्यादा आपको सब्जेक्ट के साथ घुलाने मिलाने का होता है, उसमें बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स के बारे में बात करना होता है, हिस्ट्री एंड अदर चीजों के बारे में बात करना होता है, और उन हर चीज के ऊपर हर सेक्शन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चंस लेना होता है। अगर आपने ऑलरेडी रेगुलर मेरा लिया होगा तो आपको पता होगा क्लास में मोर देन 300 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। यहां क्या होता है, यहां प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम पूरा का पूरा बच जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब यह होता है कि आपको बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जाएगा, दिस इज द पर्टिकुलर सेक्शन, हाउ यू शुड अप्लाई इट, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। रेगुलर में फोकस ये होता है कि आपको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनाया जाए, जबकि फास्ट ट्रैक में ये होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, टोटली कहां क्या और किन चीजों पे फोकस करना है उन चीजों को सीधा सीधा आपके सामने रखा जाता है। बस कंटेंट में कहीं कोई कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा जी सर, सर तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बुक को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर आप इस बुक को देखोगे तो बुक का डिवीजन जो है ये हमने बहुत सिस्टमैटिक किया हुआ है। ये अगेन मेरे रेगुलर बुक जिस तरीके से चलते हैं उस बेसिस पे बेस्ड है। मैं पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट आपको एक बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। पहला सीक्वेंस ये होगा कि हम लोग असेसमेंट्स में जाएंगे। सर हम पहले असेसमेंट्स में क्यों जाएंगे? हमने तो सुना ये बहुत डेंजर टॉपिक है। बराबर है, टॉपिक डेंजर ही है, पर मैं आपको कहता हूं कि आपको इससे प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको एक और बात का आज वादा देता हूं, जो 35th डे पे मैं आपसे रिवाइज करवाऊंगा कि साहब ये आपके दिन का सबसे बेहतरीन लेक्चर होगा। जी हाँ, ये आपके दिन का सबसे बेहतरीन लेक्चर होगा, इस बात की गारंटी मेरी। डायरेक्ट टैक्स से प्यार हो जाएगा सर आपको। सर हम इसे 4 मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप मेरा रेगुलर बुक भी देखोगे तो वो 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, हम भी इसे 4 मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। सीक्वेंस बिल्कुल वही है, क्योंकि ये बुक मेरे बच्चों को भी जाता है जिनने रेगुलर बुक ली हुई है, तो सीक्वेंस बिल्कुल वही है जो आप देखेंगे। सबसे पहले हम यहां तक के इसे कवर करते हैं मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 पूरा का पूरा आपका असेसमेंट वाला पार्ट होता है। असेसमेंट, अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन, बेसिक टैक्स कैलकुलेशन, सर्च एंड सीजर, एडवांस रूलिंग, सेटलमेंट कमीशन, वो सब यहां पे आएगा, राइट? मॉड्यूल 2 ये पहले लाने का ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि आईपीसीसी तक के आप लोगों ने ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इनकम तक का टॉपिक पढ़ा है, तो रिटर्न भरने के बाद का क्या प्रोसेस होता है डिपार्टमेंट का, वो सब आपको यहां देखना है। यहां से मजा आना आपको शुरू होगा। डिपार्टमेंट जब असेसमेंट करता है तो उसके अंदर में आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। यहां से लेकर के आप यहां तक के देखोगे तो आपका आता है मॉड्यूल 2, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। पूरा का पूरा हेडवाइज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इसके अंदर में कवर किया जाता है। इसके बाद चालू होता है आपका मॉड्यूल 3, दैट इज डिडक्शन, इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स, पेनल्टीज, टीडीएस से लेकर के टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज तक के, ये होता है आपका मॉड्यूल 3। अगर आप देखेंगे तो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, उसी पैटर्न के अंदर में है। और 4th पार्ट पे हमारा आता है बॉस आपका मॉड्यूल 4, दैट इज इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए जाए, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग, बेप्स, DTAA, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, वो सारे के सारे भी हम लोग इसके अंदर में कवर करने वाले हैं। और उसके नीचे हम लोगों ने एक मिसलेनियस टॉपिक रखा हुआ है। ये मिसलेनियस टॉपिक क्या कर रहा है सर? अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम्स दे रहा है। एज यू माइट बी नोइंग दैट कंपनी के लिए अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम आया 115 BAA BAB के हिसाब से, वो हमने यहां कवर किया हुआ है। इंडिविजुअल HUF के लिए 115 BAC आया है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 115 BAD आया है, विच इज एन अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर फाइनेंस एक्ट 2020। तो उसको भी हम लोगों ने यहां पर क्या किया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है। बट अगर आप देखेंगे जनरली ये बेसिक के साथ कवर करने की जगह मैंने जानबूझ के इसको एंड पे रखा है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है, मैं आपको इसको सबसे पहले भी पढ़ा दूंगा आपको मजा नहीं आएगा, जब आप पूरा सीक्वेंस देखोगे डीटी का मेरे साथ तब आपको ये समझ में आएगा। यहां हम लोग टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे,
किसके ऊपर फोकस करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे इन्हीं अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स के हिसाब से एंड द होल केस स्टडीज. सो दिस इज हाउ योर होल टॉपिक इज डिवाइडेड. ऑलमोस्ट सब चीज कवर है, इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट वाला पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड. सो लेट अस फर्स्ट गो एंड चेक द फर्स्ट टॉपिक. बुक का मैं आपको फटाफट इंट्रोडक्शन करा देता हूं सो दैट आप आगे बढ़ सकें. सबसे पहले अगर आप चैप्टर देखोगे तो आपको सबसे पहली चीज नोट, यू नो, एक छोटा सा मोटिवेशन दिया है. बस ये इसलिए है कि हर पार्ट पे आपको थोड़ा 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 मोटिवेशन का डोज मिलता जाए. दूसरा, अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका पूरा जो टॉपिक है इसको क्या किया गया है, बताया गया है कि कौन से पेज पे क्या चीज कवर है सो दैट आप इजीली ढूंढ पाए. ये एक चीज बहुत अच्छी करी हुई है कि हम लोगों ने अमेंडमेंट वाला पार्ट यहां पर रखा हुआ है. दैट इज यहां पे जहां जहां अमेंडमेंट आए हैं वो हम लोगों ने इंक्लूड करके रखा हुआ है, ऐसा हर चैप्टर में आपको मिलेगा. और कोई चीज हमने अगर बाद में कंसिडर करी हुई है जो यहां से रिलेटेड है लेकिन बाद में कंसिडर करी हुई है हमारे क्लास के फ्लो के हिसाब से, तो उसका नोट आपको यहां पे मिल जाएगा. इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिवाइडेड है. सबसे पहले अगर हम बात करें तो पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. ये एक मेरा बेसिक लाइन है जिसको मैं बहुत ईमानदारी से फॉलो करता हूं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हद करें या तो प्रोग्राम रद्द करें. पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ें, भले ही स्पीड में पढ़ें पर डिटेल में पढ़ें, पर आपको मजा आना चाहिए उस चीज का. चलिए साहब, इस सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स. राइट, ये सारी चीजें हैं. हो सकता है इसका एमसीक्यू होगा, जहां जहां पे एमसीक्यू बनने वाला है मैं आपको क्लियर कट बोल दूंगा कि इसके ऊपर आपको एक एमसीक्यू बन सकता है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से. सेक्शन नंबर 1, इज द इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया? आंसर इज यस. इवन बिफोर आर्टिकल 370 इट वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. राइट, सो द फर्स्ट थिंग इज इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एज पर सेक्शन 1. ओके, देन हम आगे की बात करते हैं. व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? इज दैट रिलेवेंट? यस, इट इज रिलेवेंट टू नो कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किस तरीके से बनती है इनकम टैक्स की. अंडरस्टैंड, अगर आप अपना मॉड्यूल खोल के देखेंगे, इनफैक्ट फाइनल लेवल पे चैप्टर 1 ओपन करके देखिए, सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल है. सर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? किसी भी चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जानना होता है तो हमें जाना होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल नंबर 265 इज द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझने के लिए. आर्टिकल 265 सबसे ऊपर देखिए, मैं हूं पेज नंबर 2 के ऊपर, सबसे ऊपर देखिए आर्टिकल 265 यहां लिखा हुआ है. वर्ड कहता है नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. इस वर्ड को बड़े गौर से देखना, वर्ड क्या लिखा हुआ है, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. अगर हम इसे तोड़ने जाए तो इसका क्या मीनिंग होता है जरा समझते हैं. नो टैक्सेस, किसी भी तरह के टैक्सेस आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ना लेवी कर सकते हैं. लेवी करने का मतलब क्या होता है, इंपोज करना. कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, या तो कलेक्ट करना या रिकवर करना. नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो क्या टैक्स के अंदर में सिर्फ टैक्स कवर होता है या ड्यूटीज भी कवर होती है? ड्यूटीज भी कवर होती है. यस, तो ना कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना कोई टैक्स रिकवर किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. मतलब देयर शुड बी अ अथॉरिटी एंड देयर शुड बी अ लॉ. देयर शुड बी अ अथॉरिटी, देयर शुड बी अ लॉ. फॉर एग्जांपल, क्या ऐसा हो सकता है निर्मला सीतारमन जी किसी दिन नेशनल टीवी पे आई रात 8 बजे और उन्होंने कहा आई एम इंपोजिंग कोविड टैक्स 5%, क्या इसकी वैलिडिटी होगी कुछ? आंसर इज नो, क्योंकि कोई भी टैक्स लाने से पहले एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसे पास करे और एक लॉ बनना चाहिए जो अथॉरिटी ने पास किया हो. हेंस नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. आगे बढ़ते हैं, हु इज अथॉरिटी, आखिर लॉ बनाता कौन है? इस बात का जवाब ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 245 के ऊपर. रीड विथ आर्टिकल 123. आर्टिकल 265 ने तो हमें बता दिया दैट नो टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. अभी अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी इज पार्लियामेंट. आर्टिकल 245 इसका जवाब देता है, पार्लियामेंट मे मेक लॉ. हु विल मेक लॉ? पार्लियामेंट विल मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी. तो इट वॉज पार्लियामेंट जो अथॉरिटी है. अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट लॉ बनाएगा. अब एक सवाल उठता है, ध्यान से सुनना, और ये सवाल आपके लिए बड़े रिलेवेंट है. अगर कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी लॉ बनाना है, तो ये कह रहे हैं अथॉरिटी इज पार्लियामेंट. कैसे कह रहे हैं? आर्टिकल नंबर 245 के हिसाब से.
पर एक सवाल उठता है, क्या पार्लियामेंट हमेशा सेशंस में होता है? आंसर इज नो, पार्लियामेंट हमेशा सेशंस में नहीं होता। तो सर ऐसे केस में लॉ कैसे बनाया जाए? क्योंकि कई इमरजेंसी केसेस में हमें क्या करना होता है, पार्लियामेंट सेशंस में ना होते हुए भी कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखिए बजट कंप्लीट हुआ 20 का, फाइनेंस एक्ट 20 का बजट कंप्लीट हुआ, इसके बाद लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन होने के कारण कई लोगों की इनकम पे इफेक्ट हुआ, और इनकम पे इफेक्ट होने के कारण हुआ ये कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स लाने पड़े। अब पार्लियामेंट तो सेशन में था नहीं, तो लॉ कैसे बना? इसके लिए एक और चीज है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकता है, और यह ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत पावर दिया गया है। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझिए, ये जो ऑर्डिनेंस आता है, क्योंकि आपको ऑर्डिनेंस भी पढ़ना है, इसी के लिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मालिक ऑर्डिनेंस क्या होता है, कौन लेके आता है और कब लेके आता है? जब पार्लियामेंट सेशंस में ना हो, पार्लियामेंट सेशंस में ना हो तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट प्रमोलगेट कर सकता है। ये एज गुड एज एक्ट है, ये एज गुड एज एक्ट है। जब तक पार्लियामेंट सेशन में ना आ जाए तब तक के ऑर्डिनेंस एक्ट एज प्रॉपर एक्ट। सर मुझे एक और बात बताइए, एक बार पार्लियामेंट सेशन में आ गया, क्या इस बिल को, क्या इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करवाना होता है? आंसर इज यस। एक बार पार्लियामेंट जब भी सेशंस में आएगा, इस बिल को अप्रूव करवाना होता है। दो बातें होंगी, या तो अप्रूव हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेट से अगर करंट गवर्नमेंट के केस में देखें तो करंट गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ बैठी है, तो डिसअप्रूव होने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? तो ऐसे केस में जो ऑर्डिनेंस लाया गया, इसको क्या कर दिया गया? अप्रूव कर दिया गया, आर्टिकल 123। सो वापस आइए इधर, आर्टिकल 245 कहता है पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। एट द सेम टाइम आर्टिकल 123 कहता है प्रेसिडेंट मे प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब भी रिसेस पे हो या पार्लियामेंट नहीं हो तो ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है, और ये एज गुड एज एक्ट का काम करेगा। इस एंगल में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फाइनेंस एक्ट 2020 ये आया आपके 1 फरवरी 2020 को। इसके बाद क्या हुआ? लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट केम अप विथ मेनी रिलैक्सेशन, और इसे टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन, अब मैं ऑर्डिनेंस को एक्ट बोलूंगा क्योंकि वो पास हो चुका है, एक्ट 2020 आ गया। एंड आपको जब मई 21, नवंबर 21 या जून 21, दिसंबर 21, इसके आगे मैं सीधा असेसमेंट ईयर 21-22 बोलूंगा के लिए, ये दोनों चीजें पढ़नी लगेगी मैंडेटरीली। सो पार्लियामेंट के थ्रू जो पास हुआ वो, प्लस ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने प्रमोलगेट किया, क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है? यस। वापस चलते हैं आर्टिकल 265 में। आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अथॉरिटी तो हमें समझ में आ गई, अथॉरिटी तो हमें समझ में आ गई, या तो पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट तो इसे पास कर रहा है, एक व्यक्ति कोई तो चाहिए जो इसे इंप्लीमेंट भी करे। ध्यान से सुनना, एक कोई अथॉरिटी तो चाहिए जो इसे इंप्लीमेंट भी करे। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, लेकिन देयर शुड बी अ बॉडी हु शुड इंप्लीमेंट द लॉ। अब कौन सी बॉडी है जो लॉ इंप्लीमेंट करेगी? कौन सी वो बॉडी है जो लॉ इंप्लीमेंट करेगी? इसके लिए आया आर्टिकल नंबर 246, रीड विथ शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल, यहां पर लिखा हुआ नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं, इट वॉज नॉट सो रेलिवेंट। आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल 7 तीन पार्ट में अथॉरिटीज को डिवाइड करता है। कुछ पावर्स ऐसे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कुछ पावर ऐसे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उसको लिखा गया यूनियन लिस्ट के अंदर में, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है उसे लिखा गया स्टेट लिस्ट के अंदर में, और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में डाला गया। सर इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं ये किसको जा रहा है? सेंटर को जा रहा है या स्टेट को जा रहा है? उसका जवाब यहां से मिल जाएगा। यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82, यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82
कवर करता है। दैट मींस जितना भी हम लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो किसको जा रहा है, यूनियन गवर्नमेंट को जा रहा है, एंट्री नंबर 82। सर एंट्री नंबर 82 पे क्या लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 82 पे लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। इस वर्ड को जरा ध्यान से देखिएगा, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। सर सर एक सवाल है, क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ये पावर नहीं है यूनियन के पास, इसका पावर नहीं है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, माइंड में इसके पहले लेक्चर्स में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा लेकिन आज हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ो तो हद कर दो वाला पॉइंट। एंट्री नंबर 82 ने कहा टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर, अदर देन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा टैक्सेस इनकम पे जो है यूनियन कलेक्ट कर सकता है। तो क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, जबकि सर हमने इंटर में देखा है, आर्टिकलशिप में देखा है, मेथड ऑफ एग्रीगेशन के थ्रू टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो सर इसका मैं जवाब दे दूं, यूनियन के पास टैक्स कलेक्ट करने का पावर नहीं है, स्टेट के पास है। एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट ये कवर करता है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर पे अगर टैक्स कलेक्ट भी करना है तो टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यूनियन के पास नहीं है। अब आपने आर्टिकलशिप के अंदर में क्या देखा है, क्या हम स्टेट को अलग और सेंटर को अलग टैक्स पे करते हैं? आंसर इज नो, हम तो इनकम टैक्स पूरा का पूरा एक साथ देते हैं, चालान नंबर 280, हम तो पूरा का पूरा टैक्स एक साथ देते हैं। तो सर फिर ये डिवीजन कैसे होता है, फिर ये डिवीजन कैसे होता है, क्योंकि यहां तो अगर आप देखोगे तो क्लियर कट लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम यूनियन के पास जाना चाहिए, जबकि टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर किसके पास जाना चाहिए, स्टेट के पास जाना चाहिए। दो बातें आपके मन में खटक रही होगी, पहला एग्रीकल्चर पे तो टैक्स ही नहीं है, ऐसा नहीं है, हम एग्रीकल्चर के टॉपिक पे जाएंगे तब वहां देखेंगे। दूसरा यूनियन लिस्ट, हम तो पूरा का पूरा टैक्स एक साथ पे करते, स्टेट को अलग और सेंटर को अलग, हम तो ऐसा पे ही नहीं करते। सर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको मेरे साथ निकलना होगा आर्टिकल नंबर 270 के ऊपर, इसका जवाब है आर्टिकल नंबर 270। हो सकता है आपने इसके पहले ये सब नहीं पढ़ा हो, ध्यान से सुनिए, इवन दो आप पहली बार टैक्स पढ़ रहे होंगे तो भी मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपको ये फास्ट ट्रैक 100% समझ में आएगा। आर्टिकल नंबर 270, आर्टिकल नंबर 270 पावर देता है किसे, सेंटर को, कि वो टैक्स कलेक्ट करे और बाद में इसे स्टेट वाइज डिवाइड करे, यही है वो पावर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो टैक्सेस कलेक्ट होता है ये स्टेट के बीच में डिवाइड होता है। सर डिवाइड कौन करता है, कौन से बेसिस पर डिवाइड होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसे डिवाइड करता है। जितना भी टैक्स आप पे करते हैं ये सारा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में, जितना भी टैक्स आप पे करते हैं ये सारा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाद एलोकेशन होता है प्रेसिडेंट के हाथ से स्टेट वाइज। अगर प्रेसिडेंट कभी लगे तो फाइनेंस कमीशन का क्या ले सकते हैं, वो लोग सजेशन ले सकते हैं कि किस स्टेट को कितना अलॉट करना चाहिए, किस स्टेट को कितना अलॉट करना चाहिए। आर्टिकल 270 पढ़िए मेरे साथ, ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड शैल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी टैक्सेस होंगी जितनी भी ड्यूटीज होंगी लेवी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट और थ्रू रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, और थ्रू रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। गेटिंग इट और नॉट मालिक, चलिए कहां थे हम, वापस आते हैं। सबसे पहले हम गए व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स, इस बात को समझने के लिए हम गए आर्टिकल नंबर 265 के ऊपर। आर्टिकल 265 क्या कहता है, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर हमने समझा हु इज द अथॉरिटी, इफ पार्लियामेंट इज इन सेशन पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी। फिर हम गए कि इसका लेवी कौन करता है, कौन कलेक्ट करता है, इसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल 246 देखा, रीड विथ शेड्यूल 7, यूनियन लिस्ट के पास पावर है टैक्सेस ऑन इनकम का पर एग्रीकल्चर का नहीं है। तो एग्रीकल्चर पे क्या टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता, हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है।
पर हमने देखा ऑफिसर्स में हम अलग अलग तो टैक्स पे नहीं करते, हम तो एक साथ देते हैं। यस, और इसका जवाब था आर्टिकल नंबर 270 कि आप जो दोगे टैक्सेस एक साथ ही दोगे, गवर्नमेंट उसे क्या करेगा बाद में डिवाइड कर देगा, ये उनका उनका एडजस्टमेंट है, हमारा एडजस्टमेंट नहीं है साहब। यस, आर्टिकल नंबर 270। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 265 ने हमें कहा था नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड। अब अगर आप अपने रेगुलर आर्टिकलशिप के अंदर में देखोगे तो आप देखोगे वी जस्ट डोंट पे द टैक्स, वी ऑल्सो पे द सरचार्ज, वी ऑल्सो पे द सेस, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेट्स कम एंड डिसाइड ये किस तरीके से होता है। टैक्स लगाने का पावर तो हमारे पास आ गया, कहां से आया? एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, ये पावर तो हमें पता चल गया। सरचार्ज लगाने का पावर हमारे पास कहां से आया? देखिए ये सभी बातों पर हम लोग इतना गौर नहीं करते, माइंड भी, जब तक हम आर्टिकलशिप में होते हैं, जब तक इंटर लेवल पे होते हैं। फाइनल लेवल पे साहब जब बात आती है नॉलेज की तो नॉलेज पूरा होना चाहिए। सरचार्ज अगर लगता है तो ये कौन से हिसाब से लगता है? सर, सरचार्ज लगाने का पावर है। क्या ये पावर है सर? हाँ, आर्टिकल नंबर 271, आर्टिकल नंबर 271 सरचार्ज लगाने का पावर देता है। ध्यान से सुनना, सरचार्ज लगाने का पावर आर्टिकल नंबर 271 देता है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो टैक्स कलेक्ट होता है ये कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जाता है, और इसका एनी यूज हो सकता है। एनी यूज मतलब गवर्नमेंट इसे रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट, किसी भी चीज को बनाने के लिए यूज कर सकती है। इसे डिवाइड किया जाता है, इसे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है आर्टिकल नंबर 270 के हिसाब से। अब आती है बात आर्टिकल 271 सरचार्ज की। सरचार्ज कलेक्ट करने का पावर कहां से आता है? आर्टिकल नंबर 271 से सरचार्ज कलेक्ट करने का पावर आता है साहब। सर, क्या सरचार्ज भी डिवाइड होता है? आंसर इज नो। ये बात मैं आपको अभी थोड़े देर में बताऊंगा कि कैसे मोदी गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स को नहीं बदले पर सरचार्ज को बदला। ध्यान से सुनिएगा, सरचार्ज आर्टिकल 271 के तहत कलेक्ट किया जाता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट केप्ट बाय यूनियन ओनली। ये एमसीक्यू बनेगा, ये एमसीक्यू बन सकता है। सरचार्ज डिवाइड नहीं होता स्टेट के बीच में, जो डिवाइड होता है वो है टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सरचार्ज डिवाइड नहीं होता। आइए इस बात को भी समझते हैं आर्टिकल 271 के हिसाब से। पेज पे वापस आइए, आर्टिकल 271, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस एज रिफर्ड इन आर्टिकल 270 बाय सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन। वर्ड देखो क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन। यूनियन का मतलब ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, ये स्टेट्स में डिवाइड नहीं होता। व्हाट इज टू बी डिवाइडेड इज टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 270। सरचार्ज नहीं डिवाइड होता साहब, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है, इसे भारत सरकार यूज कर सकती है लेकिन इसे स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता। एंड होल प्रोसीड्स ऑफ एनी सच सरचार्ज शेल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मजा आया साहब देख करके, वापस आगे आइए। जब हम टैक्स देते हैं तो टैक्स देते हैं, सरचार्ज देते हैं, टैक्सेस डिवाइड होते हैं, सरचार्ज डिवाइड नहीं होते, पर ये दोनों पार्ट बनते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के। अब आती है बात HEC की। HEC इज वॉट? एडिशनल लेवी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल आपको दिया हुआ नहीं है, ये लगाने का पावर है, एडिशनल लेवी किया जा सकता है लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। दिस मे बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू। क्या सरचार्ज किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है? आंसर इज नो, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। सर, एज ऑफ नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस? एज ऑफ नाउ हेल्थ एंड एजुकेशन आर स्पेसिफिक पर्पस। माइट भी ऐसा हो सकता है, जब आप लोगों ने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा तो आपको सिर्फ था एजुकेशन सेस 3% के हिसाब से। यस और नो? आई थिंक 2 years बैक द नेम हैज बीन रीचेंज एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और अब ये हो चुका है कितने परसेंट मालिक? 4%। 4% ऑफ व्हाट? टैक्स लाइबिलिटी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका मतलब ये है भारत सरकार
ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आएगा पैसा, लेकिन जितना पैसा इस पॉइंट पे कलेक्ट हुआ है ये पूरा पैसा सिर्फ दो ही सेक्टर में यूज हो सकता है, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर आप रिसेंट न्यूज देखें तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि कोविड वैक्सीन सभी लोगों को फ्री में लगाई जाएगी। अब ये जो फ्री में लगाई जाएगी, बनेगी तो फ्री में नहीं, इसके लिए पैसा होगा जो यूनियन गवर्नमेंट बेयर करेगा। आप लोगों ने न्यूज के अंदर में भी देखा होगा कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी। आखिर ये खर्चा आएगा कहां से? सेस जो कलेक्ट किया है इससे आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये पूरा पैसा जो कलेक्ट हुआ है अब कोविड वैक्सीनेशन के लिए इसे क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सेपरेटली टैक्स कलेक्ट करके रखा हुआ है। इसे एग्जिस्टिंग टैक्स और सरचार्ज से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर जरूरत पड़ती भी है तो कर सकते हैं, लेकिन एचईसी में जो पैसा कलेक्ट हुआ होगा प्राइमरीली पहले वो यूज होगा। सो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। इसी के साथ साथ नीचे आइए, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में और कुछ पॉइंट है। इनकम टैक्स इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट एंड एग्रीकल्चर इनकम इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट। एमसीक्यू बन सकता है साबित। दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब आते हैं कुछ और पॉइंट करने के लिए। अब जरा सीक्वेंस को समझिए, ध्यान से सुनना, जरा सीक्वेंस को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। तीन चीजों में हम डिवाइड करते हैं। आखिर एक लॉ बनता कैसे है, आखिर एक लॉ बनता कैसे, दैट इज इनकम टैक्स एक लॉ है, लेकिन लॉ बनता कैसे है, कैसे पता चलता है बजट में क्या अमेंडमेंट्स करने हैं, कैसे पता चलता है नोटिफिकेशन और सर्कुलर कहां लाने हैं, क्या लाने हैं। आपके मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि नोटिफिकेशन कैसे आता है, सर्कुलर कैसे आता है, डिपार्टमेंट्स को कैसे पता चलता है कि कौन से अमेंडमेंट लाने हैं, कहां से लाने हैं, कैसे लाने हैं? मन में ये सवाल नहीं उठता, उठना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब आपके मॉड्यूल्स में भी है, जाके देखिएगा। बहरहाल होता ही है, बच्चा फाइनल तक आते आते मॉड्यूल्स को हाथ नहीं लगाता, पर ये सही नहीं है। मॉड्यूल्स आप साथ साथ में देखना चाहिए, हालांकि वॉल्यूमनियस है ये सही बात है, पर आप साथ साथ में रेफरेंस लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मालिक लॉ किस तरह से बनता है, सबसे पहले एक होते हैं लॉ मेकर, दूसरे होते हैं लॉ इंप्लीमेंटर और तीसरे होते हैं लॉ इंटरप्रिटर। इनमें से कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। लॉ कौन बनाता है, हु मेक्स द लॉ इन इंडिया? एनी गैसेस, एनी रफ वाइल्ड गैसेस, हु मेक्स द लॉ इन इंडिया? हु मेक्स द लॉ इन इंडिया? आपका दिमाग लग रहा होगा अगर इनकम टैक्स लॉ की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आंसर इज रॉन्ग। हु मेक्स द लॉ इन इंडिया? सर लॉ बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कौन बनाता है लॉ? लॉ बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इफ इट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर ये इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वीड विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दोनों मिलकर के उस लॉ को क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी अगर कोई ड्राफ्ट किया होगा तो ये अदर लॉ को कहीं किसी तरीके से हार्म ना पहुंचा रहा हो, इसीलिए क्या किया जाता है, उसका प्रूफ रीडिंग करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के भी क्या लिए जाते हैं, अप्रूवल लिए जाते हैं। अब लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, इसके बाद क्या होता है, एक अथॉरिटी होती है जो इंप्लीमेंट करती है। नाउ हु इज द अथॉरिटी? आपको पता होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को लाया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर बना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर बने सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। बड़ा ध्यान से सुनना, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। इसीलिए जब भी कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर या ऑर्डर आप पढ़ोगे उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्सेस का पूरा जिम्मेदारी सीबीडीटी को दिया हुआ है, वेराज इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा जिम्मेदारी सीबीआईसी को दिया हुआ है। इनकी जिम्मेदारी क्या होती है? इनकी जिम्मेदारी होती है सबसे पहली बात तो लॉ को इंप्लीमेंट करने की। लॉ को इंप्लीमेंट करना है मतलब ये लोग क्या लेके आएंगे सर? रूल्स लेकर के आएंगे, रूल्स लेकर के आएंगे ये लोग कि किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। हेंस
अगर आप देखेंगे रूल्स आर प्रोवाइडेड बाय सीबीडीटी कि किस तरीके से इस लॉ को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब एक और पॉइंट समझिए, ये लोग रूल्स लेकर के आए, इन्होंने रूल्स को इंप्लीमेंट किया। कई बार इंप्लीमेंट करते वक्त कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज सामने आती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ बहुत अच्छे एंगल में लेके जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कई बार रूल्स को इंप्लीमेंट करते वक्त कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है। छोटा सा एग्जाम्पल, हुआ क्या कि 2017 के अंदर में जब इस लॉ को लेके आ रहे थे कि भैया आईटीआर के अंदर में पैन कार्ड के जगह आधार भी चलेगा, 2017 में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसको पुश करके 2018 में लेकर के आए, 2018 में मैंडेटरी कर दिया कि रिटर्न के साथ साथ आधार आपको देना जरूरी हो जाएगा, बराबर। 2018 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आ चुका था, इसके तहत आधार क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया। अब टेक्निकल डिफिकल्टी समझिए क्या आ रही थी। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया कि भैया आधार जरूरी होगा रिटर्न के लिए। अब प्रॉब्लम यह आ रही थी कि रिटर्न तो इनफैक्ट नॉन रेसिडेंट भी भरता है, पर नॉन रेसिडेंट को आधार तुम दोगे नहीं। यह है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, यह है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। आधार 80 के ऊपर ईयर्स के लिए जरूरी नहीं हो सकता है। आधार की एप्लीकेबिलिटी कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर में नहीं रखी गई थी, जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय, यहां पे इश्यूज चल रहे थे। तो ऐसे केसेस के अंदर में अब वहां इनकम टैक्स नहीं भर सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने तो लॉ के अंदर में लिख दिया कि रिटर्न भरना है तो तुमको आधार देना होगा। आधार कहां से लाएंगे ये लोग? ये आई टेक्निकल ग्लिच। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। व्हाट इज नोटिफिकेशन, आइए इस बारे में बात करते हैं। व्हाट इज नोटिफिकेशन? सर, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। मेनी टाइम इट इज पॉसिबल कि बॉस जो आपने लॉ लेकर के आया, जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही हो, तो क्या किया जाता है, इस लॉ को अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है, या चेंज लोगों तक पहुंचाया जाता है बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, मे बी इन रूल्स, मे बी इन लॉ। अच्छा जी सर, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। सर मुझे भी नोटिफिकेशन चाहिए, कहां मिलेगा? नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, incometaxindia.gov.in, इसके ऊपर आपको मिल सकता है। यस, egadget.nic.in, ये भी एक वेबसाइट है जहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। सर अगर नोटिफिकेशन और एक्ट दोनों भिड़ गए, नोटिफिकेशन और एक्ट दोनों भिड़ गए, कौन जीतेगा? मान लीजिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो कौन जीतेगा? नोटिफिकेशन। सर कैसे? आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक्ट के अंदर में लिखा है रिटर्न भरने की ड्यू डेट कहां थी बेटा, जुलाई या सितंबर थी। एंड मोमेंट पे क्या आ जाता है, नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन ड्यू डेट को आगे बढ़ा देता है। चेंज, व्हाट इज दैट? नोटिफिकेशन विंस ओवर द एक्ट बिकॉज इट इज अ कम्युनिकेशन ऑफ चेंज। यहां आइए, पेज नंबर 2 पे ही आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है। नोटिफिकेशन इज अ कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, मे बी इन एक्ट, मे बी इन रूल्स, मे बी इन एक्ट, मे बी इन रूल्स। दिस आर इशूड बाय सीबीडीटी। कौन इशू करता है? सीबीडीटी इशू करती है अंडर सेक्शन 119। नोटिफिकेशन ओवरराइड्स द एक्ट, नोटिफिकेशन ओवरराइड्स द एक्ट, एक्ट को ये ओवरराइड करता है। एंड ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। Hence, आप जब एग्जाम दे रहे होंगे, आपके 6 महीने पहले के जितने नोटिफिकेशन आए होंगे सब आपके काम के हो गए। अच्छा, अब जरा समझना, वापस से इधर आते हैं। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, लॉ इंप्लीमेंटर क्या करेगा, इसे इंप्लीमेंट करेगा। ध्यान से सुनना, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, अब इसे वो क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जब इंप्लीमेंट करने जाएंगे, कोई चेंज रहा वो नोटिफाई कर देंगे। अब ऐसा हो सकता है क्या, जरा सोच के देखना। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सिटिंग इन दिल्ली, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सिटिंग इन पुणे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सिटिंग इन कोलकाता, चेन्नई, मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम लॉ। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि लॉ तो एक ही है, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया। पर भाई साहब ऐसा हो सकता है ना, आपके एंगल से जो 9 दिख रहा हो वो मेरे एंगल से 6 दिख रहा हो, इंटरप्रिटेशन में डिफर। वो भी तो इंसान है ना, उनके भी तो इंटरप्रिटेशन डिफर हो सकते हैं, उनके भी तो इंटरप्रिटेशन डिफर हो सकते हैं। अब इमेजिन कीजिएगा एक सिचुएशन को, इमेजिन कीजिएगा एक सिचुएशन को, आपके ऑफिस में होता होगा, राइट? आपको एग्जाम लीव के लिए छुट्टी लेने जाना है, एंड सपोज दे आर 5 पार्टनर्स, सारे पार्टनर एक ही जगह बैठते हैं और आपकी जान खाते हैं, राइट? और हर एक ने आपको कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है। पहले के पास जाओगे,
वो बोलता है काम हो गया ना, हाँ ठीक है तू चले जा। दूसरा क्या बोलता है, मेरा ये बस एक काम है निपटा करके चल जा। तीसरे के पास जाओगे, तीसरा बोलेगा कि नहीं नहीं अभी नहीं, पूरा एक ऑडिट कंप्लीट करना है, कुछ तो फाइनलाइजेशन करना है, इसके बाद जा। नो व्हाट इज दैट इंटरप्रिटेशन, सबके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे केस में क्या किया जाए? सोचो सर, अगर एक ही लॉ पे अलग अलग एओ ही अलग अलग इंटरप्रिटेशन देने लग जाए, ये हार्म नहीं होगा? लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा डिपार्टमेंट से कि तुम्हारे ही डिपार्टमेंट में सेम लेवल के ऑफिसर्स अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं? लेट्स से पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, एक एओ अलाउ कर रहा है, दूसरा एओ अलाउ नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में एक पैरिटी बनी रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, सर्कुलर लाया जाता है। क्या लेके आते हैं बोलो बेटा? सर्कुलर लेकर के आते हैं। व्हाट इज सर्कुलर? क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट, एंड दीज आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, दीज आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर ने एक ही व्यू लेना है, बट एज अ असेसी क्या मेरा व्यू अलग हो सकता है? ऑब्वियसली यस, एज अ असेसी आई कैन हैव अ डिफरेंट व्यू, बट डिपार्टमेंट कैन नॉट हैव अ डिफरेंट व्यू बॉस, डिपार्टमेंट कैन नॉट हैव अ डिफरेंट व्यू। हेंस सर्कुलर, इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट बट नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी और एनी कोर्ट, कोर्ट के ऊपर भी नहीं, बिकॉज कोर्ट इंटरप्रिटेशन के लिए बैठा है। सर्क्यूलर, सर्क्यूलर्स आर इशूड बाय डिपार्टमेंट, दीज आर इशूड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। ऑल सर्क्यूलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। यहां पे नीचे एक लाइन लिखिए, दीज आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। ये किसके ऊपर बाइंडिंग है? डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है सर, नॉट ऑन असेसी और कोर्ट। असेसी या कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। वापस इधर आते हैं, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, लॉ इंप्लीमेंटर ने लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया, इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है नोटिफिकेशन लेकर के आ जाए, डिपार्टमेंट इसके अलग अलग यू नो व्यूज ना रखे, इसके लिए सर्कुलर लेकर के आ जाए। अब क्या होता है, डिपार्टमेंट और द पीपल इन डिपार्टमेंट कैनॉट हैव अ डिफरेंट व्यू, बट असेसी कैन हैव अ डिफरेंट व्यू। लेट्स से डिपार्टमेंट इज सेइंग नो दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड, वेयर एज असेसी इज सेइंग दिस एक्सपेंडिचर मस्ट बी अलाउड। यस ये पॉसिबल है। इसी के लिए हम कहां जाते हैं, इंटरप्रेटर्स के पास जाते हैं। इंटरप्रेटर्स मे बी ट्रिब्यूनल, मे बी कोर्ट, अपील्स, इंटरप्रेटर के पास जाते हैं और इंटरप्रेटर इसे क्या करता है, इंटरप्रीट करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स किसके इंटरप्रिटेशन कैसे वर्क करते हैं। देखिए कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में तब तक एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ये हम अपील में जाएंगे तो फिर से देखेंगे, कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू ना कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया बिकेम्स लॉ ऑफ लैंड। आप राम मंदिर इशू देख लीजिए, आर्टिकल 370 देख लीजिए, ट्रांसजेंडर इशू देख लीजिए, इट बिकेम्स लॉ ऑफ लैंड। अब इसके ऊपर कोई चीज पॉसिबल नहीं है। हाई कोर्ट जो होता है ये ज्यूरिसडिक्शन में अपने डिसीजन देता है। आप देखेंगे कई बार रेफरेंस लेते वक्त हम लोग हाई कोर्ट के डिसीजन लेंगे, अभी आप केस लॉज भी देखोगे पीछे तो उसके अंदर कई जगह पे हाई कोर्ट है। तो लेट्स से एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है एंड द पर्सन इज सिटिंग इन चेन्नई, कैन ही अप्लाई दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट? मेनी टाइम्स इसको एओ एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? बिकॉज हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो उसके जुरिस्डिक्शन में अप्लाई करते हैं, वो उसके जुरिस्डिक्शन में अप्लाई करते हैं। इस बात को लेके कई बार इश्यू भी उठे लेकिन अब तक सेटल नहीं हुए। आईटीएटी इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अगर मैटर फैक्ट से रिलेटेड है तो लास्ट अथॉरिटी है आईटीएटी। इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ तो ही आप हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हाईकोर्ट ओनली हैंडल्स क्वेश्चन ऑफ लॉ। इस बात को और समझने के लिए आपको अपील चैप्टर में जाना होगा। आईटीएटी इज द लास्ट अथॉरिटी फॉर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर लास्ट अथॉरिटी कौन है? आईटीएटी। सुप्रीम कोर्ट अप्रोच व्हेन हाई कोर्ट फ्रेम अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन इज फाइल्ड, तब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आप जा सकते हैं। सो दिस वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। वापस इधर आते हैं, लॉ मेकर ने लॉ बनाया, लॉ इंप्लीमेंटर ने उसे इंप्लीमेंट कर दिया, रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर ला करके, इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रीट करेगा।
हमारा एक और सवाल था, डिपार्टमेंट को क्या सपना आता है कि कौन से अमेंडमेंट करना है? क्या ऐसा होता होगा, वैसे तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी, क्या सपना आता होगा फाइनेंस मिनिस्टर को कि हाँ ये अमेंडमेंट करने हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं अमेंडमेंट सेट कैसे होते हैं। सर होता यह है कि लॉ मेकर ने जब लॉ बना दिया, इसके बाद जब डिपार्टमेंट इसे इंप्लीमेंट करने के लिए जाता है तो डिपार्टमेंट को समझ में आता है कि कुछ जगह पे प्रॉब्लम है, कुछ जगह पे चीजें सुधरनी चाहिए। जब असेसमेंट्स होते हैं तो असेसमेंट्स के दौरान कई बार लूपहोल सामने आते हैं कि लॉ के अंदर ये लूपहोल है, और डिपार्टमेंट ये सारी चीजें क्या करता है, लिख के रखता है, नोट करके रखता है। एट द सेम टाइम जब मैटर कोर्ट में जाता है, जहां जहां पे भी डिपार्टमेंट हारा है, इस चीज को रीएनालाइज किया जाता है, इस चीज को रीएनालाइज किया जाता है, और ये भी बातें सारी नोट डाउन करके रखी जाती है, और ये सारे नोटिंग्स बजट नोटिंग्स का पार्ट बनते हैं। किसका पार्ट बनते हैं? बजट नोटिंग्स का पार्ट बनते हैं, और ये सामने रखे जाते हैं। ये मैटर सीबीडीटी तक के पहुंचाए जाते हैं। सीबीडीटी इन्हें क्लासिफाई करता है कि किन चीजों को नोटिफिकेशन देकर के क्लियर किया जा सकता है और किन चीजों के लिए हमें प्रॉपर एक्ट में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। जो चीजें नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर हो सकती है उसे नोटिफिकेशन सर्कुलर के थ्रू क्लियर किया जाता है, और जहां लार्ज इंपैक्ट या पब्लिक एट लार्ज को इंपैक्ट होने वाला होता है उसे एक्ट के रूप में लाया जाता है, अमेंडमेंट इन द बजट के रूप में लाया जाता है। किसी को सपना नहीं आता कि अमेंडमेंट क्या करना है, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, कुछ लूप होल, कुछ टैक्स अब्यूसेस मिलते हैं, तब जाके ये अमेंडमेंट का पार्ट बनते हैं। इससे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है कि अमेंडमेंट कहां से पता चलते हैं, अमेंडमेंट कहां से पता चलेंगे, कैसे पता चलेंगे, ध्यान से सुनना। अमेंडमेंट कहां पता चलते हैं सर? बजट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहूंगा, बजट कौन से एक्ट के हिसाब से बनता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के सामने, बजट कौन से एक्ट के हिसाब से बनता है? फाइनेंस एक्ट? आंसर इज रॉन्ग। यह सवाल टेक महिंद्रा के इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा है, टीसीएस के इंटरव्यू में भी पूछा हुआ है। मेरे सवाल को फिर से सुनिए, बजट कौन से एक्ट के हिसाब से बनता है? सर फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सारा गलत। बेटा बजट बनता है FRBM एक्ट के हिसाब से। सर FRBM? यस, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट बनता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से। सर मेरा एक सवाल है, क्या बजट के अंदर में सिर्फ अमेंडमेंट्स होते हैं? आंसर इज नो। जब बजट बनता है तो बजट के अंदर में पूरे देश की बातें होती है। अगर आपने कभी बजट सुना होगा तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड और तमाम सेक्टर से रिलेटेड बातें होती है। इसके अंदर में बजट के साथ साथ एक फाइनेंस बिल भी जाता है, फाइनेंस बिल भी जाता है जिसके अंदर में DT और IDT के अमेंडमेंट्स होते हैं। सो सर बजट के साथ साथ एक होता है फाइनेंस बिल, बराबर है, इसके अंदर में DT से रिलेटेड अमेंडमेंट और IDT से रिलेटेड अमेंडमेंट होते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, IDT के दो पार्ट को अगर डिवाइड किया जाए, GST और क्या बेटा आपका कस्टम्स। GST, अब GST की काउंसिल मीट होती है और काउंसिल मीट में जो बातें डिक्लेरेशन में बाहर आती है वो उनका अमेंडमेंट बन जाती है। कस्टम रिलेटेड कोई बात होगी तो यहां पे आ जाती है। IDT के अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से होते हैं? इफेक्टिव फ्रॉम मिडनाइट अनलेस नोटिफाइड। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट जितने भी होते हैं ये उसी रात से अप्लाई करना चालू कर देते हैं, जिस दिन से ये अमेंडमेंट आए हैं उसी रात से अप्लाई करना चालू कर देते हैं, मिडनाइट से ही, अनलेस स्पेसिफिकली नोटिफाइड। जब तक कि कोई सेपरेट नोटिफिकेशन ना मिले वो उसी रात से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट कब से आ जाते हैं? डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट आर एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। डायरेक्ट टैक्सेस के जो अमेंडमेंट होते हैं वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से लागू किए जाते हैं। सर मीनिंग बताइए, मैं आपको बताता हूं। आपने कभी सोचा है हम इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर क्यों करते रहते हैं? आज आपको उसका जवाब मिल जाएगा सर। सर मान लीजिए फर्स्ट फेब
2020 को बजट आया। इस बजट की एप्लीकेबिलिटी कब से चालू होती है? ये बजट लागू होना चालू होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के। लेकिन ये तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर। आपका असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 21-22। इस ईयर में आप इनकम कमाएंगे और इस ईयर में आप टैक्स पे करेंगे। इसलिए पॉइंट टू बी नोटेड, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है और इनकम टैक्स रूल्स 1962 होता है। कभी ऑफिसर्स में जाकर के देखना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिखेगा और इनकम टैक्स रूल्स 1962 दिखेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्ट तो 1961 में आ गया लेकिन इंप्लीमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से होता है। टैक्स जो आप पे करते हो वो तो असेसमेंट ईयर में पे करते हो, इसीलिए पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है। इसीलिए पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज के अंदर में लिखा हुआ है, क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट है, ये जो बजट आया है आपको फाइनेंस एक्ट 2020, ये असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। हेंस जो बच्चा मई ऑब्लिक जून 21 दे रहा होगा या फिर नवंबर ऑब्लिक दिसंबर 21 दे रहा होगा, इन्हें फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है, ना कि 21 जो इस फरवरी में आएगा। तो जो भी बच्चा मई या जून 21 दे रहा होगा या नवंबर दिसंबर 21 दे रहा होगा, उस पर फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा। व्हाई? बिकॉज डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट जो होंगे ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होंगे। ये कब से अप्लाई होंगे बोलो? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होंगे। बजट 1 फरवरी को आ जाएगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी शुरू हो जाती है 1 अप्रैल से। एप्लीकेबिलिटी मतलब सर, एप्लीकेबिलिटी मतलब मान लीजिए इस बजट में टीडीएस के कुछ रेट्स चेंज हुए हैं, तो 1 अप्रैल के बाद आप जितने भी पेमेंट करोगे उस पे न्यू टीडीएस के रेट लागू कर दिए जाएंगे। टीसीएस के रेट होंगे वो अप्लाई होंगे, एडवांस टैक्सेस के कुछ प्रोविजंस होंगे वो अप्लाई होंगे। लेकिन जब टैक्स पेमेंट्स की बात आती है या एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात आती है, जहां रिटर्न भरना है, आपको कंप्लायंसेस करने हैं, ये तो सब आपके असेसमेंट ईयर में ही होने वाले हैं। इसीलिए जब भी कोई बच्चा मई 21 या नवंबर दिसंबर 21 दे रहा होगा, फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल होगा। फाइनेंस एक्ट क्या होगा? 20। और यही एक रीजन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जबकि रूल्स 1962 है। अगर चाहते तो रूल्स भी 1961 में ही लाया जा सकता था, लेकिन पॉसिबल नहीं है। पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल के लैंग्वेज में लिखा है, असेसमेंट ईयर के लैंग्वेज में लिखा है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पेज नंबर 2 पे ही ऊपर देखिए, एनुअल अमेंडमेंट्स। एवरी ईयर अलॉन्ग विद द बजट फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड। दीज प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एक्ट आर देयर आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट। डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट आर इफेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। इनडायरेक्ट टैक्सेस अमेंडमेंट आर इफेक्टिव फ्रॉम मिडनाइट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। नाउ आफ्टर द जीएसटी अमेंडमेंट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर एवरी जीएसटी काउंसिल मीट। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, लॉ किस तरह से बनता है, किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, बजट किस तरीके से आता है और आपको क्या एप्लीकेबल है। कुछ चीजें जो आपने यहां लिख देनी चाहिए, ये देखिए ये ओपन स्पेस है, यहां पे लिख देनी चाहिए। आप सभी लोगों का प्रीवियस ईयर बाय डिफॉल्ट में 2021 है और आप सभी लोगों के लिए असेसमेंट बाय डिफॉल्ट में 2021-22 है, एंड हेंस आपको फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। हेंस आपको फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। ये बात यहीं पे लिख दो ताकि आपके मैक्सिमम कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसके आगे इफ एनी आए तो भी। आपका प्रीवियस ईयर बन रहा है 2021 और आपका असेसमेंट ईयर बन रहा है 2021-22। डन सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को आपको देखना होगा। सर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट होगा सब मैं खुद बोल दूंगा, पर ये पढ़ाना मेरे को जरूरी है क्योंकि आपके मॉड्यूल्स में भी कवर्ड है और हमने भी इसको कवर करके रखा है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, जब बात चली रही है तो दूर तक जाएगी। व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, इट इज अ पीरियड बिफोर द असेसमेंट ईयर। सो एनी ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर विल बी कॉल्ड एज अ प्रीवियस ईयर। सो इट मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर।
असेसमेंट ईयर के पहले वाले ईयर को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर कहेंगे, एज पर सेक्शन नंबर थ्री, एज पर सेक्शन नंबर थ्री। नाउ एक और सवाल उठता है, व्हाट इज असेसमेंट ईयर देन? एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। सो असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर, कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर एज पर सेक्शन टू सबसेक्शन नाइन, एज पर सेक्शन टू सबसेक्शन नाइन। पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना सर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 1/4/2021 से 31/3/2022, अगर ये आपका असेसमेंट ईयर है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में 21/22 कह रहे हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2021, दैट इज 1/4/2020 टू 31/मार्च 2021। एवरीबॉडी, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। व्हाट इज द जनरल रूल? ध्यान से सुनना, जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। ये जनरल रूल तो आपको डेफिनेटली पता होगा, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। कुछ और बातें भी हमें ध्यान में रखनी होगी सर, जरूरी तो नहीं हर बिजनेस 1/4 को ही चालू हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है। सो लेट्स से इफ बिजनेस इज स्टार्टेड ऑन 1 दिसंबर 2020, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द असेसमेंट ईयर? अंडरस्टैंड सर, इन केस ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। इन केस ऑफ बिजनेस कमेंटमेंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। जिस दिन से फिर बिजनेस चालू हुआ है उस दिन से क्या किया जाता है, बिजनेस का प्रीवियस ईयर काउंट किया जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, इफ बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1/12/2020, प्रीवियस ईयर क्या बनेगा? प्रीवियस ईयर 2021 ही रहेगा, लेकिन स्टार्ट होगा वो 1/12/2020 से और आपका असेसमेंट ईयर होगा 21/22 ही। आपका असेसमेंट ईयर होगा 21/22 ही। मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने साथ एक स्टिकी नोट जरूर रखना, और स्टिकी नोट नॉट पॉसिबल है तो आपके जो पेजेस होंगे उसके छोटे छोटे आप क्या कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, और साथ साथ में एक स्टेपलर जो आप लगा लो। पर्सनली मुझे स्टिकी नोट नहीं पसंद आता, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ लिखना होता है तो मैं पेज लेता हूँ जो रफ पेपर होते हैं अपने ऑफिस से, राइट, उसको मोल्ड करता हूँ, उसमें कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, स्टेपलर मार देता हूँ, सो दैट वो लॉन्ग टर्म चलता रहे। आपको जो मेथड समझ में आए वो कर लीजिए इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के लिए। सो वट इज प्रीवियस ईयर? इट इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। वट इज असेसमेंट ईयर? इट इज द ईयर इन विच टैक्स इज पेड। जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। सेकेंड जनरल रूल, जब बिजनेस कमेंस होता है तो फिर प्रीवियस ईयर उस दिन से काउंट करते हैं जिस दिन से बिजनेस कमेंस हुआ है, लेकिन हम रिटर्न में लिखते वक्त प्रीवियस ईयर 2021 ही लिखेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर काउंट 1/12/2020 से ही होगा। इज दैट डन? आइए यहां पर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अब जरा ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, क्या इसके कुछ एक्सेप्शन है? यस, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। क्या इसके कुछ एक्सेप्शन है? यस मालिक, इसके कुछ एक्सेप्शन है। यानी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे जो टैक्स देना होता है वो प्रीवियस ईयर में ही देना होता है जिस साल में आपने इनकम अर्न करी है। अगर आपके कुछ टैक्सेस है तो वो आपको प्रीवियस ईयर में ही देना होता है जिस साल में आपने इनकम को क्या किया है, अर्न किया है। सर ऐसे कौन कौन से केसेस है? ये एक थियरी क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है। अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होगा कि डीटी में हमेशा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, थ्योरी भी पूछी जाती है, और उस टाइम पे ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पेज नंबर 2 पे ही आपको दिखेगा एक्सेप्शन टू
टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, यानी पे द टैक्सेस इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। कौन कौन से ऐसे बिजनेस है? नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, अंडरस्टैंड, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। नॉन रेसिडेंट शिपिंग इंडिया में आती है, कुछ पैसेंजर और कार्गो लेती है, यहां से निकलती है। इज इट पॉसिबल कि वो नेक्स्ट ईयर आएगी? आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। लेकिन अगर आपको पता होगा शिपिंग कंपनी के केस में पोर्ट पे ही कस्टम्स के बाजू में इनकम टैक्स का भी चेयर होता है। वहां से आपको इसका जितना भी इनकम कमाया है पैसेंजर के थ्रू या कार्गो के थ्रू, उसका क्लियरेंस लेना पड़ता है और उसके बाद ही आपकी शिप पोर्ट से जा सकती है। मतलब क्या हम असेसमेंट ईयर में टैक्स के लिए रुके? आंसर इज नो। प्रीवियस ईयर में ही क्या कर लिया गया? टैक्स कलेक्ट कर लिया गया। पर्सन लीविंग इंडिया विथ नो इंटेंशन टू रिटर्न इन इंडिया, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। अब ऐसे कैसे पता चलता है सर दैट अ पर्सन इज लीविंग इंडिया परमानेंटली? वीजा। जब आप परमानेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता है। इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां तक की इनकम पे पूरा टैक्स असेस किया जाता है और उसके ऊपर टैक्स आप लोग प्रोवाइड करते हो, उसके ऊपर आप टैक्स देते हो और फिर ही आपको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप वीजा के साथ अप्लाई करते हो। यानी आपने जिस प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई, जब आप जा रहे हैं उसके पहले वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वहां तक का पूरा टैक्स आप देके जाते हो। तीसरा, AOP BOI form for short duration and likely to be dissolved in the same year of formations. Example देख लीजिए, कई ऐसे concerts होते हैं जो बहुत short durations के लिए होते हैं, जैसे आप सनबर्न देख लीजिए, कई international music events होते हैं इंडिया के अंदर में, उनको देख लीजिए। Yes or no? सनबर्न हो गया, इसके अलावा कोई international artist है, इनका कोई show है, इसके लिए होता है यहाँ पे। For example एक और शकीरा एंड्रिक इंडिया में आए रिसेंटली, एंड्रिक का देख लीजिए आप, इंडिया के अंदर में आए, स्टेज शो दिया, इनकम कमाई किसके थ्रू? टिकट सेलिंग के थ्रू, एसोसिएशंस के थ्रू, यू नो जितनी इनकम रिसीव हुई है सेलिंग ऑफ कार्ड्स के थ्रू, इन सारे केसेस में इन्होंने इनकम कमाई। इनकम अगर कमाई है, अगले साल पॉसिबल है या आने वाले हैं इसकी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज दीज आर द एसोसिएशन विच आर फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, विच आर फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो इन्हें इनकम टैक्स क्लियरेंसेज लेने पड़ते हैं, इनकम टैक्स क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। दीज आर कॉल्ड एज AOP BOI विच आर फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट, असेसी लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स, असेसी लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। पॉइंट समझिए सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बार शक हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपना सब कुछ बेच करके निकल जाएगा। मैक्सिमम ये वो केस होते हैं जहां पे लेट से कोई ईडी या कोई अथॉरिटी पीछे पड़ी हुई हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बार शक हो जाता है कि ये बंदा रातों रात निकल जाएगा। फ्यू ऑफ द इंस्टेंसेस हम लोगों ने देखे हुए हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ऐसे केसेस में अगर ये टैक्स पे करे बगैर बाहर से निकल जाएंगे तो गलत हो जाएगा साहब। इसी के लिए मेनी टाइम जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो तो प्रोटेक्टिव काम करते हैं, इसे हम प्रोटेक्टिव असेसमेंट्स भी कहते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कलेक्ट करवा लेते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी जो होगी इस पे सीजर का राइट रखते हैं, अटैच कर देते हैं आपकी प्रॉपर्टी। आगे चल के आपको दिखेगा, आगे अटैचमेंट्स आएंगे असेसमेंट्स के अंदर में, अटैचमेंट्स आएंगे, वो अटैचमेंट्स इसी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस और अ प्रोफेशन। अगर कोई बिजनेस क्लोज हो रहा होगा, आपको लगता है नेक्स्ट ईयर उसके रिटर्न या कुछ आने वाला है? नहीं, इनफैक्ट उसके पैन कार्ड एंड अदर चीजें भी सरेंडर कर दी जाती है, तो अगले साल वो टैक्स भरने आएगा? नहीं। तो ऐसे केसेस में जब उसका क्लोजर करते रहते हैं, उसका पैन कार्ड बंद करते रहते हैं, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगते हैं। पर्सन ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में प्रीवियस ईयर में, जिस साल में बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है वहां तक उसने जितनी इनकम कमाई है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो ये 5 एक्सेप्शन है साहब इस चीज को, 1, 2, 3 स्टार्ट, जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। लेकिन 5 केसेस के अंदर में, 5 केसेस के अंदर में क्या किया जाता है, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भराया जाता है। नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, AOP BOI फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, एंड पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। ये 5 केसेस में प्रीवियस ईयर एक्ट एज असेसमेंट ईयर, चेक कर लीजिए सर।
डन सर। सो दिस वॉज प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अब बढ़ते हैं आगे, और दो डेफिनेशन जो थियरी में बड़ी काम की चीज होती है वो है पर्सन की डेफिनेशन एंड असेसी की डेफिनेशन। चलो ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, फटाफट करते हैं। पर्सन मतलब कौन? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, फर्म, LLP, कंपनी एंड एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। राइट, वापस से एक बार कर लेते हैं। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। सात अजूबे इस दुनिया में, सात पर्सन इस दुनिया में। यस और नो? अच्छा, जनरली हम लोग अगर एक बात देखें, एवरी टाइम फर्म इंक्लूड्स LLP, बट नॉट इन एवरी केस। यहां पे लिख के रखिए, फर्म नॉट इंक्लूड LLP फॉर 44AD। जब हम लोग 44AD में जाएंगे हम फिर से देखेंगे, बट 44AD के लिए एवरी ईयर, मतलब अगर आप देखेंगे पूरे इनकम टैक्स में, अंडर द होल इनकम टैक्स फर्म इंक्लूड्स LLP, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AD, प्रिजम्प्टिव इनकम वाला, 8%, 6% वाला, वहां पे फर्म डू नॉट इंक्लूड LLP। राइट, सो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। डन सर। रेगुलर बैच होती तो इनके अंदर के क्लासिफिकेशंस भी आपको बताता, खैर अभी फास्ट ट्रैक के अंदर में इसको बताने की जरूरत नहीं। अब आते हैं असेसी की डेफिनेशन के ऊपर। असेसी की डेफिनेशन 2.7 के अंदर में कवर है। व्हाट इज असेसीज डेफिनेशन? एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। अगर मैं असेसी की डेफिनेशन कहूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा फोकस करूंगा इसके ऊपर। एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। असेसी के हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियर कट हमें दिखता है एवरी पर्सन। यहां से एक एमसीक्यू बाहर आता है और वो एमसीक्यू ये है दैट एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। यस, दिस इज एन एमसीक्यू। कैसे? मान लीजिए विजय एक इंडिविजुअल है, टोटल इनकम आया 2,40,000 रुपीज। नाउ इज विजय पर्सन इंडिविजुअल? यस। इज ही लाइबल टू पे टैक्स? नो, अप टू 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। सो पर्सन तो हुआ पर वो असेसी नहीं हुआ। यही विजय की इनकम अगर 3 लाख रुपीज होती, सो एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, 3 लाख के ऊपर लाइबिलिटी टू पे टैक्स आ जाती है, वो पर्सन भी हो गया, असेसी भी हो गया। हेंस एक चीज जो हमें देखने को मिलती है वो होता है एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन मे और मे नॉट बी एन असेसी। एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट, ये इंक्लूड किया गया था। कब इंक्लूड किया गया था? हुआ ये इन वन ऑफ द जजमेंट्स। इन वन ऑफ द जजमेंट्स ऐसा हुआ कि असेसी ने टैक्स तो पे कर दिया लेकिन पेनल्टी और इंटरेस्ट पे नहीं किया, और उसने कहा असेसी वही होता है हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स। अदर सम की तो बात ही नहीं की रही तो मेरी तो लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होती। एंड कोर्ट हैज एक्सेप्टेड हिज व्यू दैट यस, लॉ के अंदर में वर्ड लिखा है एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। डिपार्टमेंट हारा था, और जब जब डिपार्टमेंट हारा है तब तब अमेंडमेंट आया है, उस टाइम के बाद वर्ड ऐड किया गया और एनी अदर सम अंडर द एक्ट, एनी अदर सम अंडर द एक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? असेसी कहेंगे। एंड इंक्लूड अ पर्सन हु इज लाइबल फॉर टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अदर पर्सन। इसे सीधे शब्दों में आप क्लबिंग कह सकते हो। क्लबिंग के प्रोविजन अगर आपको याद होंगे तो थोड़े बहुत भी, कि इनकम कोई ऑन करता है लेकिन उसका टैक्स कोई और पे करता है, दैट इज द रियल ओनर ऑफ द इनकम इज लाइबल टू टैक्स। एनी पर्सन हु इज लाइबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अदर पर्सन, उसे भी हम क्या कहेंगे? असेसी कहेंगे। असेसी डीम टू बी असेसी। नाउ
व्हाट इज डीम्ड असेसी. अंडरस्टैंड, अगर कंपनी, ट्रस्ट और अदर एसोसिएशंस के ऊपर, लेट्स से फर्म के ऊपर असेसमेंट चल रहे होंगे और इनकम टैक्स में क्या करना होगा, विजिट करना होगा, तो आपको लगता है कंपनी फर्म करेगी या इनके बिहाफ पे इनके जो डायरेक्टर्स होंगे, जो पार्टनर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, दे विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी असेसी? यस, दे विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड असेसी इन केस ऑफ कंपनी फर्म एओपी बीओआई. थर्ड, असेसी इन डिफॉल्ट. लेट से अ पर्सन हु फेल टू डिडक्ट टीडीएस. सी, अगर कोई असेसी है एंड ही हैज फेल टू डिडक्ट टीडीएस, हम इसे असेसी की कैटेगरी के अंदर में डालेंगे. लेट से कोई नॉन रेसिडेंट है जिसने रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त कोई टीडीएस डिडक्शन की लाइबिलिटी अराइज हुई है, या रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त टीडीएस की लाइबिलिटी है और वो इस लाइबिलिटी को पूरा नहीं करते, तो नॉन डिडक्शन एंड नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस के पेनल्टीज लगती है. उन पेनल्टीज में वर्ड यूज किया हुआ है असेसी, मतलब पहले उसे असेसी बनाना होगा. जब तक ये वर्ड डेफिनेशन में ना लाते, उस पर पेनल्टी एंड अदर प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती थी. इसीलिए असेसी का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड रखा गया है. एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, ये थ्योरी में पूछा जाता है. ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो थ्योरी में पूछा जाता है. एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज लायबल फॉर इनकम और लॉस ऑफ द अदर पर्सन, पर्सन डीम टू बी एन असेसी, दैट इज डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर, एंड असेसी इन डिफॉल्ट, लेट्स सी अ पर्सन हु फेल टू डिडक्ट टीडीएस, दिस विल बी ट्रीटेड एज असेसी. हालांकि जब बुक में हमने लिखा तो यहां पे सिर्फ शॉर्ट कर दिया, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, डीम्ड असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट. लेकिन ये एक थ्योरी क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा, इसको देखिएगा. इफ एनीबडी विश टू कॉपी और एनीबडी विश टू राइट, आप लिख सकते हो. एज ऑफ नाउ आप इसका फोटो भी ले सकते हो और बाद में लिख के आप अटैच भी कर सकते हो. डन सर, बढ़ते हैं आगे. अब देखोगे आप, वी हैव कंप्लीटेड अवर पेज नंबर वन. यहां पे हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे डिस्कस किया, बेसिक्स पे डिस्कस किया, नोटिफिकेशन, जुडिशियल अपडेट्स पे डिस्कस किया, अमेंडमेंट्स पे डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो थ्योरी में आती है उसके ऊपर डिस्कशन किया. आ जाते हैं अब टैक्स कैलकुलेशंस के ऊपर, क्योंकि बेसिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है. सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं टैक्स रेट्स कहां लिखे हुए होते हैं. कई बार बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं और इस पर एमसीक्यू आया है. सर टैक्स रेट्स कहां होते हैं? टैक्स रेट्स दो जगह पे लिखे हुए हैं. नॉर्मल स्लैब रेट्स जो है, नॉर्मल रेट्स जिसे कहा जाता है, यह लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर में, एंड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स के अंदर में लिखे हुए हैं. टैक्स रेट दो प्रकार के, नॉर्मल स्पेशल. नॉर्मल आर रिटर्न इन द फाइनेंस एक्ट, वेयर स्पेशल रेट्स आर रिटर्न इन इनकम टैक्स एक्ट. सर कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ स्पेशल रेट? यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, ये कहां लिखा है? इनकम टैक्स में. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए 15%, कहां लिखा है? इनकम टैक्स में. दीज आर स्पेशल रेट्स. सो नॉर्मल रेट्स, पेज नंबर 3 पे आइए मालिक, पेज नंबर 3 पे आ जाओ. नॉर्मल रेट्स आर गिवन बाय रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट, वेयर एज स्पेशल रेट्स आर गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट. कोई चाहे तो इसके आगे एग्जांपल लिख सकता है, 111 ए, 112 ए, एटसेट्रा, ये सब स्पेशल रेट्स के अंदर में आ जाते हैं. अब आते हैं स्पेशल रेट्स फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी. इसे हमें तीन पार्ट के अंदर में डिवाइड करना होगा. इसे क्या करना होगा? तीन पार्ट के अंदर में डिवाइड करना होगा. पहला, इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, अप टू 250,000 देयर इज नो टैक्स. अप टू 250,000 देयर इज नो टैक्स. 250,000 टू 5 लाख 5%, शॉर्टकट ऑफ अप टू 5 लाख 12,500. इस शॉर्टकट को कैसे यूज करना है मैं ये भी बताता हूं. आइए ध्यान से देखिए. In case of every individual male, female and below the age of 60 years as on the last day of previous year, AOP, BOI, HUF, AJP, non-resident irrespective of age. Up to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 5%,
शॉर्टकट आएगा 12,500, 5 लाख तक का टैक्स शॉर्टकट आएगा 12,500। यहां पे रुक जाइए, आपका कोई रजिस्टर होगा या आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर तो आपने खैर रखा ही होगा। कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, लेट से टोटल इनकम, मैं आपसे टैक्स कैलकुलेशन भी करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पॉसिबल है तो एक रजिस्टर भी अपने साथ में रख लीजिए। कुछ पॉइंट मैं यहां पे एडिशनल लिखा रहा हूं, वो आपको लिखने की इच्छा है या प्रॉब्लम सॉल्व करने की इच्छा है तो ये हो जाएगा। लेट से टोटल इनकम 2,40,000 रुपीज। अब बताइए टैक्स क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, निल, बिकॉज इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000 रुपीज। मैं ये प्रॉब्लम्स आपसे इसलिए भी सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आर्टिकलशिप में आप में से कई लोगों ने टैक्स के अंदर में काम नहीं किया है, और जिनने काम किया है उनने टैक्स निकाला है किसके अंदर में बेटा? सॉफ्टवेयर्स के अंदर में, सॉफ्टवेयर्स के अंदर में तुमने टैक्स निकाला है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हें टैक्स कैलकुलेशन नहीं आता, ठीक है। टोटल इनकम लेट्स से 4 लाख रुपीज। अब टैक्स कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो तुम्हें जो सीखने की जरूरत है वो है फॉर्मेट। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा टोटल इनकम, गिव अ रुपीस कॉलम, 4 लाख। हम जैसे क्लाइंट को प्रॉपर एक्सेल शीट में बना के देते हैं, एग्जामिनर को भी बिल्कुल हमें इसी तरीके से देना है, क्योंकि फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम सीए फाइनल स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको आंसर तो आता है लेकिन प्रेजेंट कैसे करें वो नहीं आता। इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि सर कैसे आपको क्या करना है, शो करना है, इसमें से क्या माइनस करना चाहिए आपने, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000। इसे कहिए बैलेंस। एक गलती, हम यहां पे बैल लिखते हैं, जहां आपने कट किया इंस्टीट्यूट आपके मार्क कट करेगा, एक बात को याद रखना। बैल बैल कुछ नहीं होता, बैलेंस होता है। होता यह है कि हमारे ऑफिसर्स के अंदर में कंप्यूटर्स पर शॉर्टकट लिखते लिखते हमारी भी इतनी आदत हो जाती है कि हम ये गलतियां करने लगते हैं, और सर ये गलतियां एग्जाम में नहीं चलेगी। बैलेंस 1,50,000, इस पे टैक्स रेट आएगा आपका 5%। आपकी टैक्स लाइबिलिटी, वर्ड पे फोकस कीजिए, हम क्या लिख रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी 7,500। टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई मालिक? 7,500। स्टॉप। क्या टैक्स के अंदर में सिर्फ टैक्स होता है? आंसर इज नो। टैक्स के अंदर में एक और चीज होती है, रिबेट। आइए फोकस करते हैं रिबेट के ऊपर, ध्यान से सुनना। यहीं पे ही नीचे आपको दिखेगा नोट्स, और नोट्स के अंदर में नोट नंबर बी पे जाइए, आपको दिखेगा रिबेट। सर व्हाट इज रिबेट? रिबेट इज नथिंग बट डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स। रिबेट इज नथिंग बट डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स। रिबेट किसे अवेलेबल होता है? असेसी हु इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। असेसी हु इज इंडिविजुअल, असेसी हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। असेसी हु इज इंडिविजुअल, असेसी हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, एंड टोटल इनकम, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। रिबेट इज 12,500 और 100% ऑफ टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। माइंड भी आपने जब पिछले साल काम किया होगा, रिबेट होगा 2,500, इसे इंक्रीज करके 12,500 कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सालों से डिमांड चल रही थी कि प्लीज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाओ, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाओ। भारत सरकार ने बोला हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ा रहे, हम रिबेट अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। रिबेट 12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर आ गया। ध्यान से सुनिए, असेसी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट। ही शुड बी इंडिविजुअल, एंड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। तो क्या मिलेगा साहब? रिबेट मिलेगा। इसमें से माइनस करें रिबेट अंडर सेक्शन 87A, लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स, कितना हुआ ये? 7,500 और मैक्सिमम लिमिट 12,500। दोनों में से लोअर क्या है? 7,500। टैक्स क्या आ जाएगा मालिक? निल। टैक्स क्या आ जाएगा मालिक? निल। डन। सो रिबेट के टाइम पे आपने को ध्यान रखना है
क्या क्या? असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया एंड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है रिबेट मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, रिबेट इज नॉट अवेलेबल वाइल कंप्यूटिंग द टैक्स अंडर 112A। इस लाइन को अभी याद रखिए, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीजन है, कैपिटल गेन में बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ बस इतना याद रखिए, रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। इस बात को बस आपको याद रखना है। गेटिंग इट मालिक? आइए आगे बढ़ते हैं। एक टैक्स और निकालिए, चलो इस बार आप ट्राई करो। टोटल इनकम आपके सामने रख रहा हूं 4,95,000 रुपीज। रजिस्टर में ईमानदारी से पूरा कैलकुलेट करना है। डन सर? आइए, क्या माइनस करोगे सबसे पहले बोलो जल्दी से। वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000। बैलेंस कितना बचा? 2,45,000। इस पे टैक्स रेट 5%। टैक्स लाइबिलिटी क्या? रिबेट मिलेगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड एंड अज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 12,250 का रिबेट मिल जाएगा और नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी प्रभु? निल। नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी प्रभु? निल। एवरीबॉडी ओके? सर अनादर पॉइंट, क्या टैक्स के साथ साथ कुछ और भी लगता है? यस, HEC एट द रेट ऑफ 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। कब लगता है? जो भी आपका टैक्स आएगा आफ्टर रिबेट इफ एनी और सरचार्ज, उसके ऊपर आपको क्या लगाना होगा? HEC एट द रेट ऑफ 4%। सो ये तो आपको पहले ही नोट में मिल जाएगा, HEC शैल बी एट द रेट ऑफ 4% विच इज एप्लीकेबल। गेटिंग इट और नॉट? थर्ड आता है राउंड ऑफ। थर्ड आता है राउंड ऑफ। इनकम एंड टैक्स बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। इनकम एंड टैक्स बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। सर क्या राउंड ऑफ करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस। सेक्शन 288A 288B ये मैंडेटरी है। अगर आप मॉड्यूल्स के कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो यहां पे जो टोटल इनकम आती है इसे राउंड ऑफ किया जाता है और जो टोटल टैक्स पेबल आता है इसे भी राउंड ऑफ किया जाता है। अगर आप राउंड ऑफ करना भूल गए तो आप ये समझ लीजिए आपके हाफ वन हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे क्योंकि आपने एक सेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया है। सर राउंड ऑफ कैसे करते हैं? मैं तो भूल गया क्योंकि जब सॉफ्टवेयर में मैं काम करता था वो तो राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली कर लेता था, कभी मैंने आर्टिकल चिप पे इतना ध्यान नहीं दिया। टेंशन ना को, मैं बताएगा। सर राउंड ऑफ की कैसे किया जाता है? बड़ा सिंपल मेथड है सर, और जो खुद एक्ट देता है। जो भी फिगर है इसकी लास्ट फिगर पे फोकस करना, इसकी लास्ट फिगर पे फोकस करना। इफ द लास्ट फिगर इज अप टू 4, 1, 2, 3 और 4, लोअर साइड राउंड ऑफ कर दो, नहीं तो हायर साइड राउंड ऑफ कर दो। लोअर साइड राउंड ऑफ कर दो नहीं तो हायर साइड, 5 या 5 से ऊपर है हायर साइड राउंड ऑफ करके खत्म करो। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। 288A 288B टोटल इनकम एंड टैक्स बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। रूल ऑफ 5 इज एप्लीकेबल। इफ टैक्स कैलकुलेटेड इज 81501 देन टैक्स वुड बी राउंडेड ऑफ टू 81500। लास्ट फिगर पे फोकस करना, अप टू 4 रही लोअर साइड, अदरवाइज हायर साइड राउंड ऑफ। गेटिंग इट और नॉट?
सो टैक्स कैलकुलेशन में अब तक के हमने देखा अप टू 2,50,000 निल, 2,50,000 टू 5,00,000, 12,500 कितना आएगा बेटा, 12,500। शॉर्टकट कैसे निकाला है, बड़ा सिंपल है, 5,00,000 में से 2,50,000 माइनस कीजिए, 5% लीजिए, 12,500 आ जाएगा। यानी 5,00,000 तक का टैक्स दिमाग में सेट कर लीजिए, 12,500, 5,00,000 तक का टैक्स दिमाग में सेट कर लीजिए, 12,500। इफ द इनकम एक्सीड 5,00,000 अप टू 10,00,000 द टैक्स रेट इज 20%, टैक्स रेट इज 20% एंड शॉर्टकट ऑफ टैक्स अप टू 10,00,000 इज 12,000, 1,12,500। लेट्स चेक, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सभी लोग आइए मेरे साथ साथ एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर टू, टोटल इनकम 7,82,944, कंप्यूट द टैक्स। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले फॉर्मेट बना दे टोटल इनकम। अब पहला स्टेप क्या होना चाहिए, यहीं पे आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, इसको राउंड ऑफ करो 288A के हिसाब से। सेक्शन याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मैं पहले ही लेक्चर में क्लियर कर दूं, सेक्शन नंबर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम फुटाइल एक्टिविटी है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। यस, याद रह जाए तो अच्छी बात है। राउंड ऑफ 288A के हिसाब से सबसे पहले 782,940, लास्ट फिगर अप टू 4 है, लोअर साइड राउंड ऑफ कर दिया मैंने, बराबर। अब मुझे बताइए टैक्स कैसे निकाला जाए, इसका एक फॉर्मेट मैं आपको दे देता हूं, पर्टिकुलर्स, रुपीज और टैक्स कर ले, शॉर्टकट से आपका टैक्स बहुत इजीली निकल सकता है। कैसे, टैक्स अप टू 5,00,000, नियरेस्ट फिगर 5,00,000 थी, 5,00,000 तक का टैक्स क्या मुझे आता है, यस 12,500 रुपीज। कैसे आया चेक कर लो, जिसको नहीं समझा वो एक बार देख लो, अप टू 2,50,000 निल, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, 2,50,000 इनटू 5% कर लो, 12,500, यानी किसी भी एंगल में अप टू 5,00,000 रुपीज तक के टैक्स कितना आना है मालिक, 12,500। फिर आएगा यहां पे बैलेंस इनकम, वर्ड पे फोकस करना, बैलेंस इनकम टू 82,940, इस पे टैक्स रेट लगेगा 20% के हिसाब से, फाइव सिक्स 588, यहां पे लिख दो टोटल टैक्स 69,088, 69,088। स्टॉप, क्या रिबेट मिलेगा, क्या रिबेट मिलेगा, आंसर इज नो। क्यों, टोटल इनकम एक्सीड 5,00,000 रुपीज, एवरीबॉडी टोटल इनकम एक्सीड 5,00,000 रुपीज, रिबेट मिलने वाला नहीं है। पर अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में, दैट इज एचईसी एट द रेट ऑफ 4%। सर क्या मैं एचईसी शॉर्टकट यूज कर सकता हूं, हां डज इट कम टू रफली 2,764.52 आ रहा है, उसको आगे बढ़ा दिया 2,864, 2,764, बताओ आपका टोटल टैक्स कितना आ रहा है, टोटल टैक्स कम्स टू 71,852। अब बताओ क्या इसे भी राउंड ऑफ करने की जरूरत है, यस, सेक्शन 288B 71,850, दिस शुड बी योर टैक्स। अब देखो कितने बेहतरीन तरीके से तुमने फॉर्मेट दिया, पर्टिकुलर्स, रुपीज, टैक्स एंड राउंड ऑफ। मैक्सिमम क्या होता है पता है, फाइनल के बच्चों को टैक्स कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं आता, उन्हें सिर्फ रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, टैक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है पता है, फॉर्मेट, और यही रैंकर्स मार्क्स लेकर के जाते हैं, फॉर्मेट में ही रैंकर्स मार्क्स लेकर जाते हैं आपके, गेटिंग इट और नॉट। एक प्रॉब्लम आप
और सॉल्व करिए, खुद से कीजिए। टोटल इनकम 9,99,992। चलो टैक्स निकालो, बिल्कुल वैसा ही कर लो। पर्टिकुलर्स रुपीस टैक्स, आपको एक टाइम लिमिट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने की, एंड योर टाइम लिमिट इज 3 मिनट्स। 3 मिनट के अंदर आपको इसे सॉल्व करना है। वर्ड पूरे प्रॉपर लिखे, कोई जल्दी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज राउंड ऑफ 288 ए, सेक्शन लिखो नहीं लिखो प्रॉब्लम नहीं, 990। देन टैक्स अप टू 5 लाख 12,500, बैलेंस इनकम 4,99,990, टैक्स रेट इज 20%, दिस कम्स टू 99,998 टोटल 1,12,498 एड HEC एट द रेट ऑफ 4%, फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल 1,16,998, इसको क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो,
117,000 पे राउंड ऑफ होगा क्या, जरा चेक करना। इज दैट डन, समझ में आया फॉर्मेट क्या होगा, समझ में आया इसको कैसे अप्लाई करना है। बड़ा सिंपल है साहब। सो HEC रिबेट राउंड ऑफ, तीन चीजें समझ में आई। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। द फोर्थ इज स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। इधर आइए, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। सर व्हाट इज स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड, मैं आपको बताता हूं इसका टैक्स कैलकुलेशन। यहां आइए पेज नंबर 5 पे, आपको नीचे एक जगह दी हुई है, यहां पे लिखिए स्पेशल रेट। हंड्रेड एंड ट्वेल्व लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बियॉन्ड 1 लाख 10%, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, 115DB कैजुअल इनकम 30%। एज ऑफ नाउ चार ही स्पेशल रेट लिख के रखिए, एज ऑफ नाउ चार ही स्पेशल रेट लिख के रखिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A बियॉन्ड 1 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, 111A, 115BB कैजुअल इनकम 30%। नाउ चेक, एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान से सुनना बेटा, कैसे इन स्पेशल रेट्स को अप्लाई करके टैक्स निकाला जाता है। सपोज योर PGBP इनकम इज लेट से 8 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 4 लाख रुपीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 5 लाख रुपीज, एंड लेट से लॉटरी इनकम दैट इज कैजुअल इनकम 4 लाख रुपीज, एंड दे हैव आस्क्ड यू टू कंप्यूट टैक्स। जनरली सिर्फ टैक्स कंप्यूटेशन का आपके क्वेश्चन नहीं आते, आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उस पे से टैक्स निकालना होता है। सपोज योर टोटल इनकम इज गिवन एज अंडर, नाउ हाउ यू विल कंप्यूट द टैक्स। पॉइंट ये है कि इसमें से आपको सबसे पहले ये ढूंढना होगा व्हाट आर योर स्पेशल इनकम्स व्हिच आर लाइबल एट द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। यू कैन सी लॉन्ग टर्म इज अ स्पेशल इनकम, शॉर्ट टर्म अंडर 111A इज अ स्पेशल इनकम, वेर एज लॉटरी इज अ स्पेशल इनकम विच आर लाइबल टू टैक्स एट अ स्पेशल रेट। नाउ हाउ टू कंप्यूट एंड वॉट शुड बी द फॉर्मैट, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यह देखिए कि आपकी टोटल इनकम कितनी हो रही है, आपकी टोटल इनकम कितनी हो रही है, 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख, दिस कम्स टू 21 लाख रुपीज। ओके नाउ अब आपको भी पता है हमारे यहां पे मेहमान आते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं जो हर बार आते ही रहते हैं और कुछ स्पेशल होते हैं जो बहुत खास मोमेंट पे आते हैं। इसके टैक्स कंप्यूटेशन के लिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आप दो पार्ट बना ले, एक नॉर्मल टैक्स के लिए और बी बना ले स्पेशल इनकम के लिए या स्पेशल टैक्स के लिए। दो पार्ट ए और बी बना ले, फॉर्मेट को बिल्कुल वैसा ही रखे, पर्टिकुलर्स रुपीज और टैक्स, फॉर्मेट को बिल्कुल वैसा ही रखो, पर्टिकुलर्स रुपीज और टैक्स, बराबर है।
अब एक एक करके चीजों को देखो। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112, व्हाट इज द स्पेशल रेट? 20%। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यू कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म अंडर सेक्शन 112। इनकम कितनी है मालिक? 4 लाख रुपीज। सो 4 लाख इंटू 20%, डज इट कम टू 8,000 रुपीज? डज इट कम टू 8,000 रुपीज? यस। सेकेंड आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 5 लाख रुपीज। 5 लाख इंटू 15%, 75,000 रुपीज। यहां पे 80,000 होना चाहिए। यस। कैजुअल इनकम दैट इज लॉटरी इनकम 4 लाख रुपीज। डायरेक्टली 30%, 1 लाख 20,000 रुपीज। इसकी टोटल यहां पे कर लें 2,75,000 रुपीज, या इसकी टोटल कर लें 2,75,000 रुपीज। ये हो गया आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अब आता है नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट्स पे आप जैसे स्लैब रेट लगा के निकालते हो बिल्कुल वैसे ही निकालो। यहां पे भी पर्टिकुलर्स, रुपीज और टैक्स, टोटल इनकम विच आर लाइबल टू नॉर्मल रेट इज 8 लाख। 5 लाख तक का टैक्स आपको पता ही होगा, 12,500, इजेंट इट? 5 लाख तक का टैक्स आपको पता ही है, 12,500। इसमें कोई चेंजेस नहीं। यहां आप जैसे अब तक के टैक्स निकालते हो बिल्कुल वैसे ही टैक्स निकालोगे, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं। बैलेंस इनकम कितनी हुई? 8 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज 3 लाख। इस पे टैक्स रेट कितना लगेगा? 20%। दैट इज 60,000 रुपीज। टोटल कम्स टू 72,500। टोटल टैक्स कम्स टू 72,500। अब आपको क्या करना है? सर सरचार्ज नहीं लगाना? रुक तो जाओ, मैंने कहा बोला प्रॉब्लम सॉल्व खत्म हो गया। अब इस ए और बी को ऐड कर लो। टोटल टैक्स ए प्लस बी, नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों को मिला लो। दिस विल कम टू 3,47,500। जस्ट चेक इट आउट योर कैलकुलेशन। थ्री लैख 47,500 एड HEC एट द रेट ऑफ 4%, 13,900। योर टोटल टैक्स कम्स टू 361,400। योर टोटल टैक्स कम्स टू 3,61,400। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है। डन भाई साहब, ये हुआ आपका स्पेशल रेट का कैलकुलेशन। एक और प्रॉब्लम हो जाए, कुछ और चीजें भी देखनी है। एग्जाम्पल नंबर 5, खुद से ट्राई करो। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे आएगा नहीं। PGBP 12 लाख रुपीस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 11 लाख रुपीस,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 5 लाख रुपीज, लेट्स से हॉर्स रेस विनिंग 3 लाख रुपीज। मैंने फॉर्मेट दे दिया है, कंप्यूटेशन आपको करना है। एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व 4 मिनट। इट मस्ट हैव बीन डन बाय दिस टाइम। चेक करो मालिक, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पार्ट ए नॉर्मल, पार्ट बी स्पेशल। हेडिंग दे दो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। सबसे पहले स्पेशल लोगों के एडजस्टमेंट कर दो। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। यहां पे जो टैक्स लगता है ये बियॉन्ड 1 लाख रुपीज लगता है, 1 लाख तक के इस पे टैक्स नहीं आता। सो इंस्टेड ऑफ 11 लाख वी विल कैलकुलेट द टैक्स ऑन 10 लाख इनटू 10%, दैट वुड बी 1 लाख रुपीज। सेकेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख अंडर 111A जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर आता है 15 लाख, 15% सॉरी 75,000। थर्ड, कैजुअल इनकम, हॉर्स रेस विनिंग, लॉटरी, एनी गेम शो 3 लाख इंटू 30%, दैट इज 90,000 रुपीज। टोटल कम टू 2,65,000। चेक योर आंसर्स। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कम्स टू 2,65,000 रुपीज। डन सर। नेक्स्ट, अब आते हैं नॉर्मल के ऊपर। पर्टिकुलर्स, रुपीस, टैक्स। देखो फॉर्मेट अच्छा दोगे ना आदमी मार्क्स खुश होके देगा।
नॉर्मल कम्स टू 12 लाख, अप टू 10 लाख वेट। क्या 10 लाख तक का टैक्स हमें पता है? 1,12,500। क्या 10 लाख तक का टैक्स हमें पता है? 1,12,500। बैलेंस 2 लाख, इस पे टैक्स रेट 30%। एनी इनकम एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज 30%, दिस कम्स टू 60,000 रुपीज। टोटल 1,72,500। टोटल 1,72,500। क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, बनेगा टोटल टैक्स 437,500। टोटल टैक्स इसमें ऐड कीजिए HEC एट द रेट ऑफ 4%, कम्स टू 17,500। टोटल टैक्स लाइबिलिटी वुड बी 4,55,000। इसमें से एक बात आपको ध्यान में रखनी है, मान लो अगर ये टोटल इनकम का प्रॉब्लम है, तो कई बार इंस्टीट्यूट ऐसा करता है कि बॉस ये जो कैजुअल इनकम है इस पे बताता है कि भैया TDS ऑलरेडी कट हुआ है। अगर ऐसा कोई हिंट आपको प्रॉब्लम के अंदर में दिख जाए कि हाँ TDS कट हुआ है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? टोटल टैक्स में से TDS माइनस कर देना, नेट टैक्स लाइबिलिटी अराइज कर देना। प्रॉब्लम में अगर कोई हिंट है एडवांस टैक्स पे किया है, क्या करना होगा? टैक्स लाइबिलिटी में से एडवांस टैक्स माइनस करना होगा, TDS माइनस करना होगा, और बैलेंस टैक्स को आपको क्या करना होगा? पे करना होगा। बैलेंस टैक्स को मालिक क्या करना होगा? पे करना होगा। गेटिंग इट? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, डन सर, वेरी गुड। आगे आइए, आगे आइए सर। अगर प्रॉब्लम में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हो तो क्या अज्यूम करें? सपोज ये बात आप यहां लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक स्टिकी नोट दे सकते हैं, या यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है तो आपको अज्यूम करना है दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है, इसे 111 ए के अंदर अज्यूम नहीं करना है। वी हैव टू अज्यूम इट एज नॉर्मल इनकम, वी हैव टू अज्यूम इट एज नॉर्मल इनकम। यस, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रेट पे टैक्स होता है। ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच अराइज ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, विच अराइज ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर लाइबल एट स्पेशल रेट। अदरवाइज ये नॉर्मल रेट पे जैसे टैक्स किया जाता है बिल्कुल वैसे ही टैक्स किया जाएगा, राइट? हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसा हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। लेट्स से टोटल इनकम में आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाला, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेट्स से लैंड के ऊपर आया है, आप इस पे 15% का टैक्स नहीं लगाएंगे, इस पे फिर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो नॉर्मल स्लैब रेट से कंप्यूट किया जाता है। आइए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एग्जांपल नंबर 5, लेट्स से PGBP 13 लाख, HP इनकम 6 लाख, लॉटरी इनकम 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 2 लाख। कंप्यूट कीजिए और अपना पूरा आर्टिकल छिपका दिमाग लगाइएगा, इस प्रॉब्लम में एक से ज्यादा हेरा फेरी है, अपना पूरा दिमाग लगा करके, जोर लगा करके सोचना।
चेक करें, एक से ज्यादा जगह पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा साहब, एक से ज्यादा जगह पे। ए नॉर्मल पर्टिकुलर्स रुपीस टैक्स, बी स्पेशल पर्टिकुलर्स रुपीस टैक्स। सबसे पहले स्पेशल को एडजस्ट कर देते हैं। लॉटरी 2 लाख × 30%। प्रॉब्लम में हिंट ढूंढना, कहीं है नेट ऑफ टीडीएस तो नहीं है। 60,000। सेकंड 111A, टू लाख इंटू 15%, 30,000। कोई और स्पेशल है? आंसर इज नो। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111A क्लियर कट मेंशन ना हो या ये शेयर सिक्योरिटीज के ऊपर ना हो तो आपको इसे हमेशा नॉर्मल इनकम अज्यूम करनी है। कितना हो गया भाई साहब? 90,000 रुपीज इन टोटल। डन। बचा हुआ सब नॉर्मल इनकम में ला लो। 13 लाख, 6 लाख एंड 1 लाख। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आप गलत करेंगे। सर क्यों? बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो एक और बार मैं आपको याद दिला दूं। सैलरी और एचपी ये ऐसे हेड्स है जहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होता है, सैलरी से 50,000 तक का और हाउस प्रॉपर्टी से 30% ऑफ इनकम तक का। अगर यहां पे एचपी में क्लियर कट नेट नहीं लिखा हो, हाउस प्रॉपर्टी में क्लियर कट नेट नहीं लिखा हो, लेट्स से सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आया और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, या लेट्स से सेट ऑफ का प्रॉब्लम आया सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लिखा है और ब्रैकेट में नेट अगर नहीं लिखा हो, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्स्ट डिडक्ट द स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड देन टू टेक इट एज इनकम। हियर जिन जिन लोगों ने एचपी को सॉल्व कर लिया होगा उनको एक नोट नीचे लिखनी चाहिए। इट इज अज्यूम्ड दैट, इट इज अज्यूम्ड दैट द अमाउंट इज नेट ऑफ डिडक्शन। ये लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आपने अगर वैसे सॉल्व कर दिया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 लाख एक लेके सॉल्व कर दिया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो यू नीड टू राइट नेट ऑफ टैक्सेस। नेट ऑफ टैक्सेस लिखना आपको जरूरी है। मैं भी यही करता हूं, इसे नेट अज्यूम करता हूं। चलिए टोटल देख लेते हैं। 13 + 6 अज्यूमिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दिस कम्स टू 20 लाख। इसमें से अप टू 10 लाख तक का टैक्स क्या मुझे पता है? यस, 1,12,500। बैलेंस कितना बचा मालिक? 10 लाख रुपीज। इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट के है? 30%। ऑब्वियसली 3 लाख रुपीज। टोटल 4,12,500। नॉर्मल प्लस स्पेशल को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा 5,02,500 रुपीज। एड एचईसी एट द रेट ऑफ 4%। फाइव 22,600, 5,22,600। डन सर।
के मालिक। डन सर, आइए आगे बढ़ते हैं। सो इफ ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज गिवन, व्हाट इज अवर रेफरेंस? इफ ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज गिवन देन इट शुड बी व्हाट द अमाउंट? नॉर्मल रेट, येस और नो? रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2020, रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2020 हैज मेड डिविडेंड इनकम लाइबल टू टैक्स, डिविडेंड इनकम लाइबल टू टैक्स। सो एज ऑफ नाउ डिविडेंड इनकम भी अगर आती है तो ये भी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे ही आएगी। वापस से इधर जाइए, यहां पे लिखिए डिविडेंड इनकम नॉर्मल रेट पे ही टैक्सेबल होगी, डिविडेंड इनकम नॉर्मल रेट पे ही टैक्सेबल होगी। यस मालिक, ओके। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक स्पेशल एडजस्टमेंट जो बहुत स्पेशल मौके पे आता है। पहले एग्जाम्पल दूंगा, सोचना समझना और फिर इसके ऊपर काम करेंगे। सपोज माई पीजीपीपी इनकम इज 2 लाख रुपीज एंड आई हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112, लेट्स से 2 लाख रुपीज, लेट्स से 12 लाख रुपीज। नाउ माई टोटल इनकम कम्स टू 14 लाख रुपीज। अब अगर मैं आपको इसका टैक्स कैलकुलेशन की बात करूं तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल अपना जो फॉर्मेट अब तक के हमने बताया बिल्कुल वही अडॉप्ट करोगे। क्या अडॉप्ट करोगे? 12 लाख के ऊपर स्पेशल रेट और 2 लाख ये तो नॉर्मल रेट से जानी चाहिए। पर आप देखोगे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, दैट इज 2,50,000, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। एंड यू विल से नॉर्मल पे टैक्स आएगा 0, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% ले लेते हैं, टोटल टैक्स आ जाएगा और टोटल टैक्स में सेस ऐड कर देंगे। रॉन्ग कैलकुलेशन सर। नहीं सर, पक्के में रॉन्ग कैलकुलेशन। एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर, इमेजिन असेसिंग ऑफिसर, हाँ भाई लाओ चलो अदर इनकम आपकी 2,50,000 से नीचे है, एक काम करो इसको बाजू करो, इसके ऊपर टैक्स मत दो, ये जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसके ऊपर 20% दे दो। असेसी सर एक मिनट, आई एम अ टैक्स मैन, मैं एक टैक्स मैन हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टैक्स देने में, लेकिन आप ही की सरकार कहती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मेरा हक है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000 रुपीज। सो व्हाट आई एम सेइंग इज मेरी अदर इनकम 2 लाख है, मुझे 50,000 लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर लेने दीजिए, जो भी बैलेंस इनकम है मैं बैलेंस इनकम पे स्पेशल रेट देने के लिए रेडी हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ नहीं ए नॉट चल बे, आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिले नहीं मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज लायबल टू स्पेशल रेट, नो डाउट इट इज लायबल टू स्पेशल रेट। मैं भी कह रहा हूं टैक्समैन, मैं भी कह रहा हूं कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्पेशल रेट पे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 तक का मिलना चाहिए। हाँ या हाँ, मिलना चाहिए। क्या वो मुझे मिल रहा है? आंसर इज नो। ऐसे केस में जो मेरी स्पेशल इनकम है उतना यहां एडजस्ट कर लीजिए, बैलेंस स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप असेसी होते आपको नहीं लगता आप भी सेम काम करते? या आपका क्लाइंट होता तो आपको नहीं लगता आप भी सेम ही काम करते? आप बोलते कि भैया मेरी स्पेशल इनकम को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बची हुई इनकम को स्पेशल रेट पे अप्लाई करेंगे। इस बात को डिपार्टमेंट ने समझा, इस रीजंस को डिपार्टमेंट ने समझा एंड डिपार्टमेंट केम अप विद अ स्पेशल एडजस्टमेंट। दिस स्पेशल एडजस्टमेंट्स आर रिटन इन सेक्शन 111A, 112A एंड 112। रेसिडेंट असेसी दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट असेसी कैन नॉट एब्सॉर्ब
बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड हैज स्पेशल इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, 112A, नॉट कैजुअल इनकम, सच स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। सर कहां लिखेंगे इसे? ये कुछ चीजें मैंने इसके लिए स्पेस रखी है, पेज नंबर 4 यहां लिखिए। ये बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट असेसी को एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट को ये एप्लीकेबल नहीं है। सो रेसिडेंट असेसी इफ दे कैन नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड हैज स्पेशल इनकम शॉर्ट टर्म अंडर 111A देन इट शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बैलेंस विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। डन सर, ओके लेट्स चेक। अब ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा? 11,50,000 के ऊपर स्ट्रेट अवे 20% अप्लाई किया जाएगा और टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सर ये प्रोविजन कहां लिखी हुई है? 111A में भी दिखेगा, 112 भी जाके पढ़ोगे तो दिखेगा, 112A के अंदर भी दिखेगा स्पेशल एडजस्टमेंट्स। सो ऐसे केसेस के अंदर में स्ट्रेट अवे 11.50 लाख इंटू 20% टैक्स आएगा आपका 2,30,000। इसमें HEC ऐड करना एट द रेट ऑफ 4%, 9,200 2,39,200 इज दैट डन? दिस इज अ स्पेशल एडजस्टमेंट दैट नीड्स टू बी डन। तो जल्दी से वापस आओ, टैक्स कंप्यूट करते वक्त क्या क्या करना होगा? असेसी दैट इज इंडिविजुअल अप टू 2,50,000, निल 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%। चार नोट अब तक के हम लोगों ने देखे टैक्स कैलकुलेशन के वक्त। पहला HEC, दूसरा रिबेट, तीसरा राउंड ऑफ, चौथा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, पांचवा स्पेशल एडजस्टमेंट
इन केस असेसी के नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये पांच चीजें अब तक के हमने देखी है। डन सर, अपनी बुक को थोड़ा रंगीन भी बनाया है और अब हम बात करेंगे इसके आगे किसके मालिक सरचार्ज की। यहां देख लीजिए सर, तो चलो सरचार्ज की भी बातें कर लेंगे, पर पहले हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करते हैं सरचार्ज की।
यस सर, सो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज। अब तक के हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, हम लोगों ने मालिक देखा हुआ है टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स को बहुत अच्छे से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एक एक करके टैक्स रेट्स को समझा। इंडिविजुअल बिलो 16 नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP, यहाँ तक के लिए हम लोगों ने अब तक पहला स्लैब देखा हुआ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने रिबेट की बात करी, हम लोगों ने सेस की बात करी, हम लोगों ने राउंड ऑफ की बात करी, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की बात करी, स्पेशल एडजस्टमेंट्स की बात करी जब असेसी के नॉट एब्जॉर्व बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यहां तक की हम लोगों ने बात कर ली थी। डन, अब हम आगे बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज में आए हैं कुछ बड़े चेंजेस। जी हाँ, सरचार्ज के अंदर में आए हैं कुछ बहुत बड़े चेंज। सर कैसे चेंज आए हैं मैं आपको बताता हूं, पूरी हिस्ट्री के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इसको मजा आएगा आपको सुनने में। पूरी हिस्ट्री ये है साहब कि आपको याद होगा तो एक समय हुआ करता था इंडिविजुअल HUFs के लिए, जहां पे 1 करोड़ के ऊपर अगर आपकी इनकम गई, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, 1 करोड़ के ऊपर अगर आपकी इनकम गई तो सरचार्ज रेट वॉज एनीबडी 15%। यस ऑर नो, ये एक टाइम हुआ करता था। देन हुआ ये कि मोदी गवर्नमेंट ने, राइट, दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर में वादा किया था, मैं अमीरों से लूंगा और गरीबों को दूंगा। इस बात को शायद उस टाइम तक के कोई समझ नहीं पाया था, एंड लेटर ऑन उन्होंने ये चीज सरचार्ज के रूप में लेकर के आई। जब सरचार्ज के रूप में लेकर के आया, उन्होंने सबसे पहला चेंज ये किया कि सरचार्ज के रेट को चेंज करके उनने कर दिया, इफ इनकम एक्सीड 50 लाख रुपीज सरचार्ज वुड बी 10% एंड द इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज सरचार्ज वुड बी 15%। इससे हुआ ये, एनी पर्सन हु इज अर्निंग मोर देन 50 लाख रुपीज वॉज लाइबल टू सरचार्ज। दिस वॉज द फर्स्ट शॉर्ट गेम विच वॉज प्लेड बाई द एग्जिस्टिंग इंडियन गवर्नमेंट। नाउ ये करने के बाद इन 2019 दे हैव प्लेड अनादर कार्ड फॉर दिस एंगल ओनली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरचार्ज के और फर्दर लिमिट्स को लेकर के आई। सरचार्ज के फर्दर लिमिट्स को लेकर के आया, 2 करोड़ रुपीज के ऊपर गया तो सरचार्ज 25%, वेरास 5 करोड़ रुपीज के ऊपर गया तो सरचार्ज 37%। नाउ यू कैन लुक इनटू द मैटर, हम लोग 2019 से ही बात कर रहे हैं दैट इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। उसके कई रीजन सरचार्ज के एग्जॉर्बिटेंट रेट्स भी है। कैसे सर, आप सोच के देखिए, इमेजिन अ पर्सन लाइक सलमान खान, राइट, इनकम कहीं पे भी 5 करोड़ रुपीज के ऊपर होगी, वी ऑल नो। यस, अब ऐसे केस में उनका टैक्स रेट समझते हैं, 30% प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% सेस, यानी रफली आता है वो 42.744%, जिसको हम अलग शब्दों में मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR रेट भी कहते हैं। अब इमेजिन करो, 100 रुपीज में से 43 रुपीज टेंटेटिवली उनके टैक्सेस के अंदर में चल जाते हैं, उस आदमी का इंडिया में मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो आदमी इंडिया में पैसा लगाना बंद कर देगा तो जो रोलिंग ऑफ मनी है वो वैसे ही रुक जाएगा। और इसी के लिए जब बजट 2021 बन रहा है तो मैक्सिमम ऑफ द पीपल यही सजेशन दे रहे हैं कि ये जो एग्जॉर्बिनेंट सरचार्ज रेट है, ये जो आपने एक्सेसिव सरचार्ज रेट लगा के रखा है, इस सरचार्ज रेट को खत्म कीजिए। सभी लोगों का ओपिनियन यही बन रहा है, पर एज ऑफ नाउ फाइनेंस एक्ट 2020 की अगर हम बात करें तो सरचार्ज रेट कुछ इस प्रकार से ही है। फॉर एन इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP दैट इफ द इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीज सरचार्ज इज 10%, इफ द इनकम एक्सीड 50 लाख रुपीज दैट इज अप टू 1 करोड़ रुपीज सरचार्ज इज 15%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, अबाउ 2 करोड़ इट इज 25% एंड अबाउ 5 करोड़ इज 37% सरचार्ज। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको कह रहा था, अगर आप ध्यान दे तो सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाता है, यूनियन के पास जाता है। आप देख सकते हैं उन्होंने टैक्स रेट्स इंक्रीज नहीं किए, टैक्स में बदलाव नहीं किए। मोदी सरकार के कुछ अपने प्लान्स थे, कुछ अपनी स्कीम्स थी जो उन्होंने थॉट देकर रखी थी, सिर्फ उसको प्रमोट करने के लिए गेम खेला सरचार्ज के साथ, क्योंकि सरचार्ज का पैसा किसी स्टेट के साथ डिवाइड नहीं करना होता, वो यूनियन को जाता है। इस तरीके से जितनी भी आज आप गवर्नमेंट की स्कीम्स देख रहे हो जो स्पेसिफिकली निकाली जा रही है, उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, सरचार्ज। अमीरों से लूंगा, गरीबों को दूंगा, दिस वाज़ द यू नो फेज विच हैज बीन यूज्ड। नाउ अब इसमें हुआ क्या, जरा ये समझिए, जब सरचार्ज रेट को हैवी कर दिया गया, एक इंपैक्ट जिसके ऊपर आने वाला था वो थे इन्वेस्टर्स। रेसिडेंट इन्वेस्टर्स तो थे, वैसे ही मार्केट के अंदर में स्लो डाउन चल रहा था। इसी बीच में अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी स्लो डाउन आ जाता या स्टॉक एक्सचेंज भी कम होना चालू हो जाता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता और इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए 2019 में एक चेंज लाया गया, इसे कहा जाता है सरचार्ज
और इसे कहा जाता है एनहांस्ड सरचार्ज। ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी को, इसे कहा जाता है एनहांस सरचार्ज। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि बॉस इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर को डिमोटिवेट नहीं करना, हमारे स्टॉक मार्केट जो है ये क्रैश नहीं करने चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक लाइन कही, एनहांस्ड सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। उन्होंने क्या कहा, इन्वेस्टर का डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर जो ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों का डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, ये मोटिवेशन बरकरार रहना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, दैट इज शेयर्स एंड सिक्योरिटी जिनपे एसटीटी पे हुआ होगा उसके ऊपर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, दैट इज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो किसके अंदर में आती है मालिक, अगेन शेयर्स एंड सिक्योरिटी के ऊपर आती है, इनके ऊपर हम एनहांस सरचार्ज नहीं लगाएंगे। जब ये बात, आई विविडली रिमेंबर, जब ये बात राज्यसभा के अंदर में हुई और अपोजिशन पार्टी ने एक सवाल उठाया, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब यही ना कि इनका इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर भी नहीं जा रहा तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं, ऐसा ही ना। उस टाइम पे रिप्लाई देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, नहीं आप इसे गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन ये है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। उन्होंने क्या कहा, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है। जिसका मीनिंग क्या हुआ, जिसका मीनिंग ये हुआ, इवन इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज, द मैक्सिमम सरचार्ज रेट वुड बी 15%, द मैक्सिमम सरचार्ज रेट वुड बी 15%। एक सवाल, अगर यह सवाल ना पूछा जाता तो शायद यह लूप होल रह जाता, पर यह सवाल पूछ लिया गया और यह क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया और मैटर यही खत्म हो गया। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट यह बना आज के तारीख में, दैट एनहांस सरचार्ज फाइनेंस एक्ट 2019 ने यह अमेंडमेंट लेकर के आया था, दैट एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल बट सरचार्ज इज एप्लीकेबल। सो लेट से मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का और देर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड दिस इनकम एक्सीड 2 करोड़ और मे बी 5 करोड़, व्हाट विल बी द सरचार्ज रेट, 15%। एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, सरचार्ज इज एप्लीकेबल, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, सरचार्ज इज एप्लीकेबल। दिस वॉज द गेम। नाउ सेकेंड पॉइंट, फाइनेंस एक्ट 2020, दिस मेड अ ह्यूज चेंज इन द टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अर्लियर डिविडेंड वॉज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अप टू 10 लाख रुपीज, येस ऑर नो? बट इस साल से डिविडेंड को 1 रुपए से टैक्सेबल कर दिया गया है, इस साल से डिविडेंड को 1 रुपए से टैक्सेबल कर दिया गया है। अब एक और सवाल था, इन्वेस्टर्स जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स है, इनको एक और चीज मिलने वाली थी अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन, दैट वॉज डिविडेंड, ह्यूज डिविडेंड अर्निंग। इमेजिन, इमेजिन मुकेश अंबानी, इमेजिन यू नो हाजिम प्रेम जी, रतन टाटा जी एंड राकेश झुनझुनवाला, डॉली खन्ना, ये कुछ ऐसे बड़े नाम है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के अंदर में आते हैं, जो बहुत बड़ा स्टेक रखते हैं किसके अंदर में, कंपनीज के अंदर में। इनकी प्रमुख इनकम काय से होती है, डिविडेंड से होती है, और ये डिविडेंड इनकम अब इन्हें डिमोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डिविडेंड लेके आ रहे हैं। डिविडेंड को टैक्स करो अलग विषय है, डिविडेंड इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, बट इनके ऊपर अगर ह्यूज सरचार्ज लगाएंगे तो इनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और कंपनी के लिए फंडिंग कम हो जाएगी। एक और डिसीजन लिया गया फाइनेंस एक्ट 2020 द्वारा, पॉइंट टू बी नोटेड, एक और डिसीजन लिया गया फाइनेंस एक्ट 2020 द्वारा, और वो डिसीजन था दैट डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर एनहांस्ड सरचार्ज। बात वही थी दैट सरचार्ज इज एप्लीकेबल, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड इनकम ऑल्सो। सो अगर करंट प्रपोजिशन की बात की जाए, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A एंड डिविडेंड इनकम, दीज आर नॉट लाइबल टू एनहांस सरचार्ज बट दे आर लाइबल टू सरचार्ज, दे आर नॉट लाइबल टू एनहांस सरचार्ज बट दे आर लाइबल टू सरचार्ज। सो द मैक्सिमम सरचार्ज रेट ऑन 111A, 112A एंड डिविडेंड इनकम विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%, विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%।
गेटिंग इट और नॉट कुछ भी नहीं लिखना है, सब लिखा हुआ है, वेट सारी चीज लिखी हुई है, कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था मालिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यस सर। सो एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए एंड डिविडेंड इनकम इस साल से। तो क्या चेंज लाया आपके नोट्स में देखिएगा साहब, आपके नोट्स के अंदर में देखिएगा पेज नंबर 3 के ऊपर दिख रहा है, सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP राइट एज पर टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 रीड विथ फाइनेंस एक्ट 2020 राइट। सरचार्ज की अगर हम बात करें तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं आपको समझाता हूं, बाद में आपने देखना। सपोज लिखना कुछ भी नहीं साहब, सपोज यू हैव अ डिविडेंड इनकम 52 लाख रुपीज, बताइए सरचार्ज का रेट क्या होगा। कैन आई से 10%? परफेक्ट, बिकॉज इनकम एक्सीड 10 लाख रुपीज, सरचार्ज इज एप्लीकेबल। सपोज इट इज 1.52 लाख, Now what is your answer? What will be the rate of surcharge? Obviously 15% because income exceed 1 crore rupees. Now say surcharge is income is 2.52 crore rupees. What will be the rate of surcharge? Had this been a normal income, this would have been 25%. But enhanced surcharge is not applicable in case of dividend income. The surcharge would be restricted to 15%. Suppose this is 5.52 crore rupees. What will be the surcharge rate? It would be 15% only. Enhanced surcharge is not applicable. Would your answer change if I mention here long term capital gain under 112 way? Answer is no. Things remain same. Would your answer change if I write here 111A? No. So, for these three kind of income, surcharge is applicable. Enhanced surcharge is not applicable. Surcharge is applicable. Enhanced surcharge is not applicable. So, इधर आइए, point समझिए, इस chart को समझिएगा, ये chart बहुत important है, ध्यान से सुनना। If total income, including 111A, 112A, dividend, does not exceed 50 lakh, अगर 50 लाख से ऊपर जा ही नहीं रहा, क्या कोई सरचार्ज लगने वाला है? आंसर इज नो, nil. इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A, 112A exceeds 50 lakhs but does not exceed 1 crore, 50 लाख के ऊपर किसी भी तरह का इनकम, सरचार्ज वुड बी 10% ओनली, यस ओ नो? सरचार्ज वुड बी 10% ओनली। टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A, 112A एक्सीड्स 1 crore बट डज नॉट एक्सीड 2 crore, एनी काइंड ऑफ इनकम, सरचार्ज वुड बी 15%, एनी काइंड ऑफ इनकम, सरचार्ज वुड बी 15%। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 111A, 112A डिविडेंड इनकम, अदर इनकम सिर्फ अगर 2 crore के ऊपर जा रही है तो अदर इनकम पे 25% और 111A, 112A डिविडेंड पे कितना रहेगा? 15%। Other income, that is excluding 111A, 112A dividend income, exceeds 5 crore. Other income पे 37% plus 111A, 112A वालों पे कितना परसेंट? 15%। यहां तक के रुक दीजिए, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। आ जाओ रजिस्टर के अंदर में। Examples. Suppose your PGBP is 52 lakh, your long term capital gain under section 112A is 23 lakhs, your short term capital gain under section 111A is 5 lakh. Now check.
यहां मैं आपको कहूंगा जहां सरचार्ज आ जाता है ना वहां पे अपने टैक्स कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा बदल दीजिए, जहां सरचार्ज आ जाता है वहां पे अपने टैक्स कैलकुलेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल दीजिए, प्रेजेंटेशन वाइज ये बहुत बेहतर लुक देगा, क्लैरिफिकेशन वाइज ये बहुत बेहतर लुक देगा। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स लिख दें, सेकेंड केस में आप लिख दें इनकम, थर्ड केस में आप लिख दें टैक्स, फोर्थ केस में आप लिख दें इस पे सरचार्ज, फिफ्थ में लिखो इसके ऊपर टोटल, यहां पे लाओ इसके ऊपर एचईसी और यहां पे लिख दो टैक्स लाइबिलिटी। एक प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट आपने करना। पर्टिकुलर्स, इनकम, टैक्स, सरचार्ज, टोटल, एचईसी एंड टैक्स लाइबिलिटी। इज दैट डन? चलो आइए एक एक करके चीजों को देखते हैं, एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले 52 लाख रुपीज लिख दीजिए पीजीबीपी, इनकम इज 52 लाख रुपीज, 52 लाख के ऊपर टैक्स निकालो, 10 लाख तक का टैक्स मुझे पता है। डज इट कम्स टू 13,72,500? कैसे आया? कोई बहुत दिनों बाद टैक्स कैलकुलेट कर रहा होगा उसके लिए बता रहा हूं। 52 लाख में से 10 लाख तक का टैक्स 1,12,500, बैलेंस हुए 42 लाख, इस पे 30%, दिस कम्स टू 12,60,000। टोटल कर लीजिए 12,60,000 प्लस 1,12,500, टोटल आया 13,72,500, टोटल आया 13,72,500, बराबर है। वेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, अप टू 1 लाख टैक्स नहीं लगने वाला, यानी बियॉन्ड 1 लाख दैट इज आपका आ गया 22 लाख, जिसके ऊपर टैक्स आना है 10% के हिसाब से आया ये 2,20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 5 लाख, इस पे आएगा 15%, दैट कम्स टू 75,000। हमने सबसे पहली चीज निकाल ली, हमने टैक्स निकाल दिया जो इनके ऊपर आता है। नाउ टेल मी इज माई टोटल इनकम, इज माई टोटल इनकम इज 50 लाख टू 1 करोड़, इज माई टोटल इनकम 50 लाख टू 1 करोड़, वट वुड बी द सरचार्ज रेट? सरचार्ज रेट वुड बी 10% अक्रॉस एनी काइंड ऑफ इनकम, अक्रॉस एनी काइंड ऑफ इनकम। सो कैन आई से ये हो गया हमारा सरचार्ज, टोटल निकालिए, टैक्स लायबिलिटी कम्स टू 1,570,140,
जस्ट चेक इट आउट योर आंसर। एवरीबॉडी गेटिंग दिस? राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकल गया। इस फॉर्मेट को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इस फॉर्मेट को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है, यू कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश सेपरेट सरचार्ज फॉर सेपरेट काइंड ऑफ इनकम। आप अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद के ये समझ में आएगा कि दिस इज अ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट यू कैन यूज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट यू कैन यूज। ये तो मैंने सॉल्व किया, तुमने सॉल्व किया नहीं, एक और बनता है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राई करो। सी एक बात याद रखना, मैं एग्जाम्पल्स लूंगा, सॉल्व बहुत करवाऊंगा, मेहनत में कमी नहीं रखूंगा साहब तुम्हारे। पीजीबीपी 1.30 करोड़, डिविडेंड इनकम 60 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 10 लाख। वेट 1 लाख। कंप्यूट कीजिए टोटल इनकम को, और यहां पे कुछ और भी चीज कंप्यूट कीजिए टोटल टैक्स को, और यहां पे कुछ और भी चीजें। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया, अब देखो इस प्रॉब्लम में आपको मजा आएगा। पीजीपीपी 1.30 करोड़, डिविडेंड इनकम 60 लाख, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज माई टोटल इनकम 1.91 करोड़? दिस बिकेम्स माई टोटल इनकम। अब लगाओ दिमाग, कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या निकलेगा। और यहां पे आपको एक टैक्स प्लानिंग भी सिखाऊंगा छोटी सी। चलो अब पता है आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर वो जो 10 लाख रुपीज है, अप टू 10 लाख, टैक्सेस 1,12,500। नाउ पीजीबीपी इनकम एंड डिविडेंड इनकम बोथ आर नॉर्मल इनकम एंड लाइबल टू नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, हम किससे पहले एडजस्ट करें? मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूं, अंडरस्टैंड। हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं दैट वी आर एडजस्टिंग दिस 10 लाख रुपीज आउट ऑफ पीजीबीपी इनकम, राइट? बिकॉज बोथ डिविडेंड एंड पीजीबीपी आर लाइबल एट द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स मालिक। सो पीजीबीपी 1 करोड़ 30 लाख, बराबर है?
जिसको नहीं याद आ रहा उसको बता दूं, 1.30 में से अप टू 10 लाख रुपीज का टैक्स आपको पता है 1,12,500, ये टैक्स आपको पता है। अब बैलेंस कितना बचा, 1 करोड़ 30 लाख माइनस 10 लाख, दिस बिकेम 1.20 करोड़। इस पे टैक्स रेट आएगा 30% का, दिस बिकेम्स 36 लाख। टोटल टैक्स कम्स टू 3,712,500। बराबर है, 3,712,500। सरचार्ज ले लीजिए, सरचार्ज ले लीजिए, ये आपको अभी नहीं लेना है तो एक साथ कंप्यूट करेंगे। अब आते हैं डिविडेंड इनकम के ऊपर। डिविडेंड इनकम 60 लाख रुपीज, या 18 लाख रुपीज। सर इसके ऊपर हमने डायरेक्टली लगाया 60 लाख इंटू 30%। अब कोई बच्चा यहां पे बोल सकता है कि सर हमने ये 60 लाख में से 10 लाख क्यों माइनस नहीं किए? ऐसा हो सकता है क्योंकि आप कई दिनों बाद टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, हमने 10 लाख रुपए ऑलरेडी यहां पे कर दिए, जिसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये वो सारी चीजें हट गई। वापस से 10 लाख हम यहां पे माइनस करने वाले नहीं है। पॉइंट एक, पॉइंट दो, 60 लाख रुपीज, सी ऑल द बैलेंस इनकम बियॉन्ड 10 लाख रुपीज इज लाइबल एट द रेट ऑफ 30%। हमने डायरेक्टली यहां पे ले लिया। कोई बच्चा अब यहां पे ये कह सकता है कि सर डिविडेंड से 10 लाख एडजस्ट कर देते और बाकी वहां कर देते तो क्या इंपैक्ट होता? मैं आपको इसका इंपैक्ट भी बताऊंगा, बिल्कुल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दूंगा और टैक्स प्लानिंग भी सिखाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, टैक्स प्लानिंग भी सिखाऊंगा। ये जो किया मैंने, ये टैक्स प्लानिंग के हिसाब से किया। 2 ही मिनट में आपको समझ में आएगा टैक्स प्लानिंग क्या थी इसमें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख, 1 लाख का 15% आ गया भाई साहब 15,000 रुपए, दैट इज 15,000 रुपीज। यस सर, नाउ द सरचार्ज रेट, वेदर माई इनकम एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, आंसर इज नो। वेदर माई इनकम एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, आंसर इज नो। कैन आई से द सरचार्ज रेट वुड बी एट द रेट ऑफ 15% अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ इनकम? इट विल बी 15% अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ इनकम, येस और नो? सो अगर खुद से जम रहा है बिंदास करते रहो, फोर्टी फोर लैख 40,150, जस्ट चेक योर आंसर्स। डज दिस कम्स टू 66,10,890 रुपीज? चेक दिस आउट।
समझ में आया। अब किसी बच्चे के मन में यह आ सकता है, और यहीं पे आपको टैक्स प्लानिंग सीखनी है, यही आपको इंस्टीट्यूट घुमाएगा, पर बुलाती है मगर जानेगा नहीं बेटा, यही आपको इंस्टीट्यूट घुमाएगा। देखो अब क्या हो सकता था, हमने जो 10 लाख रुपीज थे ये पीजीबीपी से माइनस किए, वेर एज डिविडेंड इनकम और पीजीबीपी इनकम आर नाइबल टू नॉर्मल स्लैब रेट। अ स्टूडेंट मे थिंक, किसी की ऐसी सोच हो सकती है, आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत उमदा सोचते हैं, और उनने ये सोचा होगा दैट विजय सर यू हैव एडजस्टेड 10 लाख रुपीज आउट ऑफ 1.30 करोड़, दैट इज पीजीबीपी इनकम, व्हाट वुड बी द इफेक्ट, हम इसे अगर डिविडेंड से एडजस्ट करते और पीजीबीपी 30% पे रख देते तो डिविडेंड पे एडजस्ट कर देते पर 10 लाख, तो मैं आपको आप ही के सामने यही प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं और बताता हूं कि हमने क्यों पीजीबीपी से एडजस्ट किया और क्यों इसे अदर इनकम से एडजस्ट करना चाहिए, ये जो 10 लाख रुपए है क्यों इसे अदर इनकम से एडजस्ट करना चाहिए ना कि डिविडेंड इनकम से। उसका प्राइमरी रीजन तो बहुत सिंपल है, अदर इनकम के ऊपर सरचार्ज रेट, दैट इज पीजीबीपी, अदर इनकम के ऊपर सरचार्ज रेट इज 37% व्हेन इट एक्सीड 5 करोड़, और 25% व्हेन इट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। नाउ इस प्रॉब्लम को अगर तुम देखोगे तो इस प्रॉब्लम में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस प्रॉब्लम में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज सरचार्ज रेट डिविडेंड को भी 15% है, पीजीबीपी को भी 15% है। लेकिन अभी मैं आप ही के सामने सेम प्रॉब्लम को चेंज करके दिखाता हूं, जरा देखिएगा और खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा कि क्यों हमें यह ऐसा एडजस्ट करना चाहिए। सपोज पीजीबीपी इज 3 करोड़ रुपीज, योर डिविडेंड इज लेट से 60 लाख रुपीज, एंड योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज लेट से 10 लाख रुपीज। नाउ सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, और इसको अब मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पे अगर तुम देखोगे तो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि सरचार्ज इधर भी 15 है इधर भी 15 है, पर जहां सरचार्ज रेट यहां कुछ और यहां कुछ और हुआ, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि पीजीबीपी के अंदर में आप एडजस्ट करें रादर देन डिविडेंड। कैसे मैं बताता हूं, इसी प्रॉब्लम को हम दो एंगल से सॉल्व करेंगे। ये हुआ अल्टरनेटिव वन, किसी बच्चे के मन में आ सकता है तो अल्टरनेटिव वन के हिसाब से इसके सॉल्व करके देखते हैं। पर्टिकुलर्स फॉर्मेट एग्जाम में आप ये यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है टैक्स कैलकुलेशन के वक्त। सेकेंड इनकम, थर्ड टैक्स, फोर्थ सरचार्ज, फिफ्थ टोटल, देन एचईसी, फाइनली टोटल लाइबिलिटी। फाइनली टोटल लाइबिलिटी, एवरीबडी कम विथ मी, पीजीबीपी। सो लेट्स से पीजीबीपी, व्हाट इज द इनकम, 3 करोड़ रुपीज, व्हाट विल बी द टैक्स। 3 करोड़ में से अप टू 10 लाख का पता है 1,12,500, बैलेंस 2.90 करोड़ इंटू 30%, यह आएगा 87 लाख। टोटल विल कम टू 88,12,500, ये यहां मैंने लिख दिया, किसी को कोई शक तो मुझे जरूर बता देना। डन, यहां आ जाओ डिविडेंड इनकम 60 लाख, मैं डायरेक्टली इसका 30% ले रहा हूं, 18 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, मैं प्रॉब्लम में लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिए, 1,50,000। डन सर। अब दिमाग लगाइएगा, व्हेन आई टॉक अबाउट डिविडेंड एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दीज आर लाइबल टू इनकम इज 3.70, दैट मींस इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज। इफ इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज, इफ इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज, द सरचार्ज रेट इन केस ऑफ डिविडेंड एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 15% ओनली, बिकॉज एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, वेर एज अदर इनकम के ऊपर सरचार्ज रेट 25% होगा। अरे हाँ,
अदर इनकम पे सरचार्ज रेट कितना होगा? 25%। अब मेरे भाई बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना, इस इनकम पे तुम 25% लगाना चाहोगे, इनके ऊपर सरचार्ज रेट 15% लगाना चाहोगे। यहां लगेगा 25, यहां लगेगा 15, यहां भी लगेगा 15। डू यू अग्री विद दिस पॉइंट? यस और नो? सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी 1,14,56,250 इन द फर्स्ट कॉलम, देन डिविडेंड इनकम, ट्वेंटी वन लैख फिफ्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड। थर्ड, माई टोटल टैक्स लाइबिलिटी वुड कम टू 1,37,88,450, बराबर है। अब देखो, यहां किसी बच्चे के मन में आ सकता है कि सर ये 10 लाख रुपीज अगर मैंने पीजीबीपी से ना एडजस्ट करके डिविडेंड से एडजस्ट किया तो क्या होगा? पिछले प्रॉब्लम के अंदर में इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि सरचार्ज रेट सेम था। अब देखो, आपके टैक्स लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। सर कैसे इफेक्ट पड़ सकता है? यहां सरचार्ज रेट 25% है जबकि यहां सरचार्ज रेट 15% है। तो इसी प्रॉब्लम को मैं दोबारा सॉल्व करके देखता हूं। अब जरा देखते हैं कि अगर मैं ये 10 लाख रुपीज का जो बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट है ये पीजीबीपी से ना लेके डिविडेंड से ले लेता तो टैक्स इंपैक्ट क्या आता, ये सिखा रहा हूं मैं आपको अब टैक्स प्लानिंग। ये हुआ अल्टरनेटिव टू। पीजीबीपी, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, दिस कम्स टू 10 लाख, दिस कम्स टू 60 लाख, दिस कम्स टू 3 करोड़। ये हो गई आपकी इनकम। अब आया इसके ऊपर का टैक्स। इमेजिन मैं अगर 3 करोड़ से 10 लाख एडजस्ट करने की जगह डिविडेंड से एडजस्ट कर लूं, क्या इंपैक्ट होने वाला है? 60 लाख में से 10 लाख गए इंटू 30% प्लस 1,12,500, दिस वुड कम टू 16,12,500। एट द सेम टाइम जितनी भी बची हुई इनकम है 3 करोड़, इस पे डायरेक्टली 30% लगेगा, दिस विल कम टू 90 लैक्स, और ये 1,50,000 रहने वाला, 1,50,000 ही रहेगा। सरचार्ज के ऊपर दिमाग लगाते हैं। सरचार्ज यहां पे 15% रहने वाला है, यहां 15% रहने वाला है, यहां 25% रहने वाला है, बराबर। अब अगर कोई दिमाग भी लगा दे तो ये देखो, यहां अगर टैक्स ही बढ़ा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट में सरचार्ज भी बढ़ा हुआ आएगा। वन करोड़ 17 लाख रुपीज,
19285505 दिस वुड इवन अदरवाइज रिमेन सेम. अब चेक कीजिए मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी होगी. वन करोड़ 38,07,950. सेम प्रॉब्लम, सेम फिगर, लेकिन आप देख रहे हो इंपैक्ट कितना बड़ा हो जाएगा. यहां पे अगर तुम देखो, इफ यू एडजस्टेड अगेंस्ट अदर इनकम, दिस फर्स्ट 10 लाख इज एडजस्टेड अगेंस्ट अदर इनकम, द टैक्स कम्स टू 1,37,88,450. वेर एज इफ यू एडजस्टेड अगेंस्ट डिविडेंड, द टैक्स रोज अप टू 1,38,07,950. शो क्या करता है ये? बहुत सिंपल है. जब आपको 10 लाख रुपीज एडजस्ट करने का मौका मिले, अदर इनकम के तहत एडजस्ट कीजिए, डिविडेंड के तहत मत एडजस्ट कीजिए. भले ही इट इज लायबल टू नॉर्मल रेट, बट डिविडेंड के अगेंस्ट में मत एडजस्ट कीजिए. क्यों? क्योंकि डिविडेंड पे सरचार्ज रेट एंड अदर इनकम पे सरचार्ज रेट डिफर करेगा. डिविडेंड इज लायबल एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, बट सरचार्ज डिफर्स. आपके सामने है ये एग्जाम्पल, समझ में आया? ये मैं जानबूझ के एग्जांपल आपके सामने रखा, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ जाए कि सर जब डिविडेंड और अदर इनकम नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल है तो किसी में से भी एडजस्ट करो, क्या फर्क पड़ता है? गलत. ये 1 करोड़ तक के कोई फर्क क्रिएट नहीं करता. जहां 2 करोड़ के ऊपर गई और एनहांस सरचार्ज का गेम आया, वहां ये जरूर फर्क क्रिएट करता है. और इंस्टीट्यूट आपको ये बताएगा नहीं, पर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करके दो. वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि भैया आपको हम लिख के दें और फिर तुम निकालो. वो तुमसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि हम तुम्हारे सामने इस तरीके का कोई प्रॉब्लम रख देंगे और तुम निकालो ढूंढ करके कि कहां क्या गड़बड़ है या कहां क्या होना चाहिए. यहां टैक्स प्लानिंग के तहत अल्टरनेटिव वन इज गुड, एंड हेंस जब भी एनहांस सरचार्ज की बात आती है and you need to compute the tax liability, always adjust it against normal income rather than dividend. इससे आपका overall tax liability reduce हो जाएगा. Because एक impact तो देखो ना तुम, यही आ जाता है. surcharge का impact देख लो तुम, surcharge का impact यही आ जाता है तुम्हारे केस में. ये अपने को बचाना है client के लिए, ये याद रखना मालिक. Everybody done? तो चलो, हमने 50 लाख के ऊपर वाला एक एग्जांपल ले लिया, 1 करोड़ के ऊपर वाला एक एग्जांपल ले लिया, 2 करोड़ के ऊपर वाला एक एग्जांपल ले लिया. क्यों ना एक एग्जांपल आप सॉल्व करो विच इज एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीस. एक और एग्जांपल सर, जहां टाइम लगाना है ना वहां मैं ईमानदारी से टाइम लगाऊंगा, आप उस पार्ट को छोड़ दीजिए. लेट्स से पीजीबीपी 7 करोड़, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम. डिविडेंड 1 करोड़, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 है 50 लाख. चलो निकालो टैक्स. आई होप दिस गोज विदाउट सेइंग कि अब हम बाय डिफॉल्ट में अल्टरनेटिव वन से ही निकालेंगे, जहां पे हम 10 लाख कहां एडजस्ट करेंगे, पीजीबीपी के अंदर में.
आई होप आपने खुद से मेहनत करी होगी मालिक अब तक। चलो मैं इनकम इसी को मान के इस पर डायरेक्ट टैक्स कंप्यूट करता हूं। टू करोड़ 8,12,500, इस पे डायरेक्टली 30% निकाल लूं, 30 लाख रुपीस। इस पे 15% निकाल लूं, डन। नाउ कैन आई से द सरचार्ज रेट इज 37%, 15% एंड 15%? दिस इज अ बेटर फॉर्मेट। जब तुम इंस्टीट्यूट के सामने ये फॉर्मेट रखोगे, इंस्टीट्यूट भी खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह बच्चे ने एक्सेल में काम किया, आर्टिकल शीट में काम किया है। इमेजिन दिस फॉर्मेट एज एन एक्सेल फॉर्मेट इन योर ऑफिस। सर ऑफिस की याद मत दिलाओ सर, बड़ा दर्द होता है सर। जानता हूँ बेटा जानता हूँ, मैंने भी आर्टिकलशिप की है और अभी मेरे अंडर भी आर्टिकल्स है। थ्री करोड़ 41,38,650, दिस बिकेम्स योर टोटल एंड इफ योर आंसर इज सेम, ब्रावो। एवरीबडी डन। चलो मालिक, सो दैट वॉज द एग्जाम्पल। कितने से ऊपर? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। इसमें भी टैक्स प्लानिंग की कैसे आपका ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो सकता है, इस पार्ट को हम लोगों ने कंसिडर किया और आगे बढ़ाया। चलिए प्रभु कहाँ हैं हम, इधर आइए, यहां हैं हम। इसका 6th पॉइंट अब तक नहीं पढ़ा है हमने, पढ़ेंगे। इस पॉइंट को नीचे के एग्जाम्पल से देखो, 1.3। अब कुछ भी पेन को हाथ मत लगाना, पेन नीचे रख दो, एक एक एग्जाम्पल को यहां से देखेंगे। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लाया गया है, चेक कीजिएगा। सपोज डिविडेंड इज 10 लाख रुपीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 20 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 इज 25 लाख रुपीज एंड अदर इनकम इज 40 लाख रुपीज। टेक ऑन अ कैलकुलेटर, टोटल इनकम कितनी हुई? 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 40, 95 लाख रुपीज बिकेम्स योर टोटल इनकम। से यस, टेल मी इज द इनकम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज अप टू 1 करोड़ रुपीज? यस। व्हाट विल बी द सरचार्ज रेट, डिविडेंड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड अदर इनकम? अगर 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक के है, कैन आई से द सरचार्ज रेट इज 10%? सो द सरचार्ज वुड बी 10% ऑन द टोटल इनकम कंप्यूटेड ऑफ 95 लाख। यस और नो, सरचार्ज रेट क्या रहेगा? 10%। आपको नहीं लगता ये फर्स्ट कैटेगरी का एग्जाम्पल हो गया यहां का, 50 लाख से 1 करोड़ तक का?
आइए सेकंड बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। सपोज डिविडेंड इज 10 लाख रुपीज, ऐड करते जाइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 60 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 65 लाख रुपीज, वेयर एज अदर इनकम इज 50 लाख रुपीज। वेदर योर इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज बट अप टू 2 करोड़ रुपीज, यस टोटल आ रहा है 1 करोड़ 85 लैक्स, दैट इज 1.85 करोड़। क्या 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आपका सरचार्ज रेट कितना हुआ बेटा? विल दैट बी सरचार्ज 15%? ये रहा सीधा सीधा एग्जाम्पल। तीसरे केस में आ जाओ, आपकी अदर इनकम 3 करोड़ रुपीज है और आपके पास डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, बताइए क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं अदर इनकम पे 25% और इन इनकम पे 15%? डू यू अग्री? सरचार्ज वुड बी 15% ऑन डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वेयर एज सरचार्ज वुड बी 25% ऑन दी अदर इनकम। सरचार्ज वुड बी 25% ऑन दी अदर इनकम। आओ इधर, अदर इनकम 6 करोड़ रुपीज है, आपकी अदर इनकम ही 6 करोड़ रुपीज है, इसके लिए 37% और इसके लिए 15% सही है। सो 15% ऑन डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बचे हुए अदर इनकम के लिए 37%। इज दैट डन? यहां रुक जाइए, अब मैं आता हूं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा नहीं, अब हम उस पर आ रहे हैं सरचार्ज की केस में। अब जरा पॉइंट समझना सर। सपोज योर पीजीबीपी इनकम इज 1 करोड़, योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A इज 70 लाख, योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A इज 70 लाख। नाउ सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। अब अगर पॉइंट आप समझोगे तो हमारी टोटल इनकम जा रही है, टू पॉइंट 40 करोड़, बराबर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सरचार्ज रेट क्या होगा? इसको बहुत सोच के समझ के विचार करके जवाब दीजिएगा, सरचार्ज रेट क्या होगा? आप बोलोगे सर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज रेट इन केस में 15% लगा दो, और इनकम 2 करोड़ रुपए इसके ऊपर है तो इस केस में 25% लगा दो। मन में तो यही आएगा कि सर अगर इनकम टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो आप इन दो इनकम के ऊपर बोलोगे एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, 15% लगा दो, और पीजीबीपी के ऊपर 25% लगा दो। असेसिंग ऑफिसर, हाँ चलो एक काम करो, ये जो 1.40 करोड़ है इसके ऊपर 15% दो और पीजीबीपी के ऊपर 25% दो। असेसी, सर बावले हो गए, दिमाग खराब हो गया आपका, कैसी बातें कर रहे हो सर? सर ये जो नीचे की दो इनकम है स्पेशल इनकम है, दीज आर नॉट माय रेगुलर इनकम, ये कोई मुझे रोज रोज अराइज होने वाली इनकम नहीं है, दीज आर स्पेशल इनकम। अगर ये ना होती तो मैं सरचार्ज कितने पे दे रहा होता? 15% पे दे रहा होता। अगर ये ना होती तो मैं सरचार्ज कितने के ऊपर दे रहा होता? 15% के ऊपर दे रहा होता। तो सर हुजूर माई बाप, ये मेरी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है। ये स्पेशल इनकम ना होती, ये डेली अराइज नहीं हो रही है, ये ना होती तो मैं आपको कंफर्म इसके ऊपर 25% दे देता। अगर मेरी सिर्फ अदर इनकम ही सिर्फ 2 करोड़ रुपए के ऊपर होती तो मैं आपको डेफिनेटली 25% सरचार्ज देता, तब मेरे पास बोलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मेरी अदर इनकम 5 करोड़ के ऊपर होती, मेरे पास बोलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, मैं खुद होके आपको सरचार्ज देता, एनहांस सरचार्ज देता। पर यहां पे एनहांस सरचार्ज मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये डेली अराइज होने वाली इनकम नहीं है। अगर तुम देखोगे इस पॉइंट को,
तो आपकी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर है। सिर्फ अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर होती तो सरचार्ज 25% बिल्कुल लॉजिकल था एसएससी के एंगल से, पर अदर इनकम और स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जाए, इस केस में कोई भी रैशनल एसएससी बोलेगा कि ये कोई मेरी डेली अराइज होने वाली इनकम नहीं है, स्पेशल इनकम। इस वजह से मेरा यहां सरचार्ज रेट 25% हो रहा है, ये तो बहुत एक्सेसिव है। सरकार ने इस बात को समझा और बोला कि अदर इनकम स्पेशल इनकम के साथ मिला ले और टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाए तो हम इसे भी 15% ही देंगे, हम इसे भी क्या करेंगे 15% ही देंगे। अगर अदर इनकम इंडिविजुअली, इमेजिन करना ये सिचुएशन में अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का होता, 2.10 करोड़, 70 लाख, 70 लाख, तब तो कोई विषय ही नहीं है, नो डाउट आप 2 करोड़ रुपीज के ऊपर हो, आप 2 करोड़ रुपीज के ऊपर हो, लेकिन आपकी अदर इनकम ही 2 करोड़ के ऊपर है। यहां आप 25% डिमांड करो एकदम लॉजिकल है, यहां 15% होगा एकदम लॉजिकल है, लेकिन यहां जो तो इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है ये नॉर्मल और स्पेशल मिला के जा रही है। असेसी कहता है ऐसे केसेस के अंदर में आप मेरे से ओवरऑल 15% ले लो, दैट्स वुड बी वेरी फाइन, क्योंकि इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाती तो मैं वैसे भी 15 देता, तो आप मेरे से यहां पे 15% ले लो, गेम ओवर। सरकार ने इस बात को समझा और सिक्स्थ पॉइंट लेकर के आया। एवरीबडी रीड द सिक्स्थ पॉइंट ऑन पेज नंबर 3। टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111 ए, 112 ए डिविडेंड इनकम, डिविडेंड यहां पे ऊपर लिखा है तो वहां पे वापस मेंशन नहीं किया मैंने। टोटल इनकम एक्सक्यूज मी टोटल इनकम अंडर सेक्शन 111 एंड 112 ए डिविडेंड इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ बट इज नॉट कवर्ड बाय सिचुएशन 4 एंड 5। सिचुएशन 4 एंड 5 में आपकी अदर इनकम ही 2 करोड़ और 5 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो ऐसे केस में इनको भी 15% सरचार्ज, इनको भी 15% सरचार्ज। लुक एट दिस एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 4। मेरी डिविडेंड इनकम 55, मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 और अदर इनकम 1.10 करोड़। अगर अब तुम यहां पे देखोगे मेरी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है, ऐसे केसेस के अंदर में सरचार्ज रेट क्या होगा? सरचार्ज रेट वुड बी 15% ऑन टोटल इनकम। ये बात बिल्कुल वैलिड लगी, बिल्कुल सही लगी सरकार की, इसी तरीके की बात है। तो सर अब तक हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रीकैप देख लेते हैं, क्विक रीकैप देख लेते हैं। आज हम यहीं तक का पढ़ने वाले हैं और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आज आज घर जाके यहां तक का पूरा प्रोविजंस आपको वापस पढ़नी है। आपके पास कोई रेगुलर बुक होगी तो वो पढ़ लेना, यस उसके साथ साथ भी इसको देख लेना, पॉइंट कहीं से भी कुछ भी मिसिंग नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी। चलो एक क्विक रिकैप देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग आए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, देखा आर्टिकल 265, टैक्स कैन नॉट बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट, 245, पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो 123, यस और नो? सरचार्ज लगा सकते हैं आर्टिकल 271, और टैक्स जो होगा वो डिवाइड किया जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, आर्टिकल 270। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी। इसके बाद पावर डिवाइड हुए यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट के बीच में, टैक्स कलेक्ट करने का पावर यूनियन के पास गया। एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट के पास है, हालांकि टैक्स यूनियन ही कलेक्ट करता है और बाद में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बॉस नोटिफिकेशन सर्कुलर कैसे आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट समझा, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कोई बॉडी लगती है जिसे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है, इसे क्या किया जाता है, इसके बाद अगर उनको लगता है लॉ इंप्लीमेंटेशन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्या निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसको चेंज करते हैं। कई बार एक ही लॉ के ऊपर डिपार्टमेंट के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, इसीलिए एक सर्कुलर निकाला जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के व्यूज अलग नहीं हो सकते, असेसी के हो सकते हैं, सर्कुलर निकाला जाता है। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, लॉ मेकर ने लॉ निकाल दिया, इसके बाद इंटरप्रेटर इसे इंटरप्रीट करता है, तब जाके हर साल समझ में आता है कि क्या अमेंडमेंट करने हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ कहाँ चेंजेस लाने हैं। अमेंडमेंट की बात हुई, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होते हैं, इसी के लिए
एक्ट 1961, रूल्स 1962, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन पूरा असेसमेंट ईयर के अंदर में होता है। यस और नो? फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की जनरल रूल पढ़े, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, इसके 5 एक्सेप्शन है, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स एंड पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। फिर और दो डेफिनेशन पढ़ी जो थ्योरी के अंदर में इंपॉर्टेंट होती है, पर्सन और एसएससी की। पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। फॉर द होल इनकम टैक्स फर्म इंक्लूड्स एलएलपी एक्सेप्ट फॉर 44AD, ठीक है मालिक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एसएससी, एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट एंड लाइबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन और लॉस ऑफ अदर पर्सन डीम टू बी एन एसएससी एंड एसएससी इन डिफॉल्ट। इसके बाद हम लोगों ने टैक्स रेट्स चालू किए। अब तक हमने सिर्फ एक टैक्स रेट्स देखा है, किसका बेटा, इंडिविजुअल का, हु इज बिलो 60, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी अप टू 250,000 निल, 250,000 टू 5 लाख 5%, शॉर्टकट 12,500, 5 लाख टू 10 लाख, शॉर्टकट 12,500, 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%। लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हमें सबसे पहले चाहिए एचईसी 4%, रिबेट इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, रिबेट इज 12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर मालिक। राउंड ऑफ इनकम और टैक्स को दोनों राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल ऑफ ₹10। चौथी चीज स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को हमने जाकर के नीचे लिखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20%, 112A वाला होगा तो बियॉन्ड 1 लाख 10%, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 15%, कैजुअल इनकम आया 30%। यस, फिफ्थ एडजस्टमेंट हमने करी स्पेशल एडजस्टमेंट, इफ असेसी कैनॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड सच रेसिडेंट असेसी हैज स्पेशल इनकम अदर देन कैजुअल इनकम, कैजुअल एडजस्ट नहीं हो सकती, देन स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सरचार्ज पढ़ना चालू किया, आज हमने सरचार्ज को भी पूरा किया, अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक के एनी काइंड ऑफ इनकम 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ एनी काइंड ऑफ इनकम 15%, अबाउ 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 15%, अदर इनकम 25%, वेर एज इनकम एक्सीड 5 करोड़ दीज थ्री इनकम 15%, अदर इनकम 37%। इफ नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम एक्सीड 2 करोड़ रुपीज देन ओवरऑल इनकम 15%। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये एग्जाम्पल भी पढ़ लिया, इसी के साथ साथ अगर ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ लिया, अगर आप YouTube के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो साहब आपको इस फर्स्ट चैप्टर के नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, वो आप एक बार देख लेना। आज सभी बच्चों ने जितने एग्जाम्पल हमने किए रफ में जाके फिर एक बार सॉल्व करना, क्योंकि फाइनल में आके तुम्हारी कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस छूट गई है, ये छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे को वहां पे कंप्यूटर नहीं करना है, सॉफ्टवेयर नहीं करना है, तुम्हें ईमानदारी से वहां पे लिखना ही है। तो ये प्रैक्टिस और इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस आज घर पे जाके एक और बार कर लेना, डन। कल का जो लेक्चर होगा, कल के इस लेक्चर के अंदर में हम आगे का टैक्स कैलकुलेशन और आगे की चीजें बढ़ाएंगे। यस और नो? यहां तक के पूरा कीजिए, कोई डाउट होगा आपको तो बुक के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे अपना डाउट भेज दीजिएगा, मैं मिनिमम 48 आवर्स तो लूंगा इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डेली के लेक्चर के शेड्यूल चालू है, पर हाँ आपकी क्वेरीज को मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा पर्सनली। डन सर, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय वालो बच्चों।